नैराश्यम सर्वम। हुआ कि नहीं? भगवान शंकर ने देखा ओहो सारे ही मर जाएंगे। तो कोई संत जो है भगवान शिव का जो प्रतिनिधि है ना, तो क्यों को वही पी पाता है उसको, क्योंकि संत का संपर्क मिल जाए तो आश्वासन हो जाता है, उसको देख के ही आश्वासन हो जाता है। अश्रद्धा को निर्मूल करने वाला कोई जीता जागता है नहीं। बोले तुम क्यों अश्रद्धा करते हो, मेरे को देखो, मुझे लाभ हुआ है, तुमको नहीं हुआ, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। कोई शास्त्र का प्रत्यक्ष हो गए उसको बोलते हैं शास्त्री कुर्वंती शास्त्राणी, बोलते हैं ना शास्त्र को शास्त्रत्व प्रदान करने वाला। तुलसी जब बोलते हैं सबकी न कहूं अपनी, सबकी नहीं बात कर रहा हूं अपनी बोलता हूं, मेरा ये अनुभव है, तब फिर देखो। तो एक बार वो अश्रद्धा वाला जो मामला है वो हट जाए तो साधन में विश्वास सिद्ध होवे, लक्ष्य में विश्वास सिद्ध होवे, तो फिर मंथन आगे बढ़ता है और एक एक रत्न निकलते हैं और अंततः इस मंथन का अंतिम रत्न अमृत है, ऐसा बोलते हैं। उस अमृत से सारी दैवी वृत्तियां अमर होती हैं। बोले भगवान ने दैत्यों के साथ फिर से छल किया, दैत्य अगर अमर हो जाएं तो तुम्हारा क्या होगा। माने जरा अध्यात्म में देखो किसको अमर होना चाहिए, दैवी वृत्ति को कि आसुरी वृत्ति को। अगर आप इतने निष्पक्ष होकर दोनों को ही अमृत पिलाने लग गए तो आपका तो हुआ बंटाधार। क्योंकि जिसको अमर होना है वो तो दैवी वृत्ति को होना है। सो ये जो कथाएं हैं उनके त्रिविध रूप होते हैं, अध्यात्म के भी वो सच हैं, अधिभूत के भी वो सच हैं। और तो अधिदैव एक को मना न कर देना कि अध्यात्म में हुआ तो ये समुद्र मंथन वास्तव में केवल अध्यात्मिक है, ये कभी नहीं बोल सकते आप, ऐसा कभी नहीं सोचना। अध्यात्म है तो अधिभूत जरूर है, अगर नेत्र इंद्रिय है या अध्यात्म है तो जो रूप है वो अधिभूत है। और सूर्य देवता अधिदैव हैं, ये शास्त्रीय रीति है, ये अधूरी बात नहीं करना, सूर्य देव दोनों के उपकारी हैं। तो ये समुद्र मंथन की एक दिव्य कथा है, साधकों के लिए अमृत है। बच्चे को बाहर ले जाना पड़ेगा, माता जी बच्चे के लिए तो ये स्थान सही नहीं है। देखो उसको जरा बाहर ले जाए तो अच्छा, थैंक यू। बोलते हैं कि अंततः शुक्राचार्य जी की कृपा से जो दैत्य बलि है वो और उसकी सारी सेना फिर से जी गई और फिर से इनको साम्राज्य प्राप्त हुआ है, देवता लोग पराजित हुए। उसी के उपलक्ष में फिर माता अदिति ने पुंसवन व्रत किया और उसके परिणाम स्वरूप भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने माता जी को वर दिया कि मैं स्वयं ही फिर आपके गर्भ में प्रवेश करके आऊँगा। तो यहाँ भगवान का वामना अवतार हुआ, कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। और जब अवतार हुआ तो उनको एक ब्रह्मचारी रूप में सुसज्जित किया है, माता गायत्री ने स्वयं ही उपस्थित होकर के गायत्री दी। तो बृहस्पति भगवान ने उपवीत करवाया है, जनेऊ दिया, पृथ्वी ने तो मृग चर्म दिया, कश्यप ऋषि जो उनके पिता हैं
उन्होंने मूज की तो मेखला दी, माता जी ने कटिवस्त्र दिया और कौपीन दी, तो ब्रह्मा जी ने कमंडलु दिया, कमंडलुम वेद गर्भा, और सप्तऋषियों ने कुश का आसन दिया, वो लपेट के कांख में रखते हैं महाराज, तो कुश का आसन दिया सप्तऋषियों ने, और माता सरस्वती ने, बहुत बढ़िया, माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला पहनाई, इस तरह से बिल्कुल सुसज्जित हुए। जब ब्रह्मचारी रूप में सिद्ध हो गए तब कुबेर ने लाके उनको भिक्षा पात्र दी, भिक्षुक है ना, और फिर पहली भिक्षा जो है वो माता पार्वती ने दी, ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देही च पार्वती। भगवान शंकर स्वयं ही काशी विश्वनाथ जाएं तो विश्वनाथ जी के मंदिर के सामने थोड़ा सा हटके अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, वहाँ एक चित्र लगा हुआ है, तो शिव जी महाराज भिक्षा पात्र लेके जाते हैं तो मांगते हैं भिक्षा। तो अन्नपूर्णा माता पार्वती जी ने भिक्षा दी, स ब्रह्म वर्चसे नैव सभाम संभावितो वटुः, तो ब्रह्म वर्चस में सबसे बढ़ चढ़ करके ब्रह्मचारी वामन भगवान तो सिद्ध हुए, और अब वो चले हैं महाराज बलि की यज्ञशाला की ओर। जब ये महाराज चले तो लिखते हैं कि धरती मानो थोड़ी थोड़ी दब जाती है, झुक झुक जाती है, ऐसा उनका तेज है, ऐसा उनका ब्रह्म वर्चस का भार है। आगे बढ़ते भगवान यज्ञशाला से ब्राह्मण लोगों ने देखा ये कौन ब्रह्मचारी आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सूर्योदय हो रहा हो। ये लिखते हैं यथा रविम उदितम, उदितम यथा रविम, ऐसा लगा जैसे तो सूर्योदय हो रहा है। इत्थम सशिष्ये सुभृगुष्वनेकधा, तो भृगु के शिष्यों ने अनेक प्रकार की कल्पना की, कौन है ये, कौन है ये। वितर्क्यमाणो भगवान सवामनः, आकाश ने छत्र दिया था और चंद्रमा ने दंड दिया था, तो लिखा है छत्रम सदंडम सजलम कमंडलुम विवेश विभ्रद्धय मेधवाटम। तो महाराज बलि के अश्वमेध की यज्ञशाला में भगवान प्रकट हुए, जटाधारी हैं, वामन हैं, छोटे छोटे सुकुमार अंग हैं उनके। प्रविष्टम वीक्ष भृगवः, जब ये प्रविष्ट हुए हैं तो भृगुवंशी जितने ब्राह्मण लोग हैं उनका तेज संकुचित हो गया, संक्षिप्त लुप्त हो गया, जैसे कोई बहुत बड़ा दीपक जला दिया जाए तो छोटा वाला जो दीपक है वो संक्षिप्त हो जाता है, जैसे सूर्योदय होने पर दीपक का तेज तिरोहित हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हुआ वहाँ पर। बलि तो आज अपने को बहुत ही सद्भाग्य मानता है, बोले महाराज बहुत ही कृपा है आज हमारी यज्ञशाला में कोई ऐसा ब्रह्मचारी आया। वो भावना तो रहती है कोई तेजस्वी, कोई ओजस्वी तपस्वी कोई मिले, और बलि तो वैसे ही धार्मिक है, तो प्रणाम किया। यद्देव देवो गिरीश चंद्र मौलिर दधार मूर्धना, तो ये छोटे से बालक हैं तो उनके पैर पर अपना सिर रख दिया बलि ने। उस समय वो त्रिभुवन का राजा था। ये संस्कृति ऐसी विचित्र है, भिक्षुक के आगे सम्राट प्रणाम करे, ये भारत में ही होता है मेरे ख्याल से। तो सामने वाला जो भोजन के लिए भिक्षा पात्र लिए घूम रहा है
तो उसके सामने तो जो समृद्ध है, भिक्षा देने वाला है, त्रिभुवन जयी है, तो दधार मूर्धन्या, वो सिर रख दिया महाराज पैर के ऊपर, बोलता है बलि स्वागतम थे नमस्तुभ्यम, आपका स्वागत है, आपको बार बार नमस्कार है, हे ब्रह्मन किम करवाम ते, मैं उपस्थित हूँ किंकर भाव से, तो आप आज्ञा करो क्या करना है मुझको, किम करवाम ते। तो मैंने कहीं पढ़ा और सुना भी कि हिंदुस्तानियों की रईस ही बड़ी विलक्षण है, दुनिया में ऐसे रईस नहीं मिलते, रईस माने समृद्ध लोग, समर्थ लोग। बोले तो हिंदुस्तान का रईस कोई अच्छा विद्वान हो उसके चरण में बैठता है, लो जी उसकी मदद भी करता है और बैठता किधर है। कोई तपस्वी हो, मनस्वी हो, तेजस्वी हो, कोई संगीत वाला कलाकार हो, देखो सबके सामने, और कौन है, बोले रईस है। ऐसी रईसी दुनिया में नहीं होती, दुनिया में रईस हमेशा ऊपर बैठे, बोले विकलंगों की क्या है। तो यहाँ बलि महाराज की स्थिति अलग है बिल्कुल, किंकर भाव से हाथ जोड़ करके खड़े हुए, बोले महाराज किम करवामा, इसी को किंकर बोलते हैं, किम करोमी इति किंकर। जब इस भाव से संपन्न होकर के हम खड़े होते हैं किसी के सामने, तो उसको बोलते हैं किंकर। त्रिभुवन विजयी महाराज बलि, तो किंकर भाव से एक बच्चे के सामने खड़े हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। बोले हमें आपको देख के ऐसा लगता है कि ब्रह्मर्षियों का साक्षात तप खड़ा हो। तपस्वी नहीं, तप खड़ा हो। ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। वो तो सही पहचाना उसे, ब्रह्मर्षियों का तेज भगवान ही है। तो वपु धारण करके, देह धारण करके भगवान उपस्थित हैं। अद्य न पितरः तृप्ताः। बलि महाराज कमाल है, अद्भुत व्यक्तित्व है, बहुत प्रभावित करते हैं हमारे मन को ये। प्रहलाद जी से न्यून नहीं है, कई बार ऊपर लगने लगते हैं, ऐसा भाव है। बोले आज हमारे पितर तृप्त हो गए, तो मेरी सारी धार्मिक क्रियाएं, जो स्वयं यज्ञशाला में कोई ऐसा पधार जाए, वो भी अतिथि अनाहूत, जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था, बुलाया ही नहीं था। बोले अद्यनः पितरः तृप्ताः अद्यनः पावितम कुलम्। आज मेरा दैत्य कुल सदा सदा के लिए पवित्र हो गया। बात तो सही है, देवताओं की यज्ञशाला में भगवान गए होंगे, लेकिन भिक्षुक बन के तो कभी गए नहीं। ये तो दैत्यों की यज्ञशाला में ही एक बार ऐसा हुआ कि भगवान को मांगने के लिए याचक भाव से तो ये महाराज को जाना पड़ा। अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद्भवानागतो गृहान्। बहुत प्रसन्न है बलि, बोले महाराज आप बताओ क्या सेवा करूं, क्या उपस्थित करूं। गाम च गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम। गौशाला बनवा दूं, आश्रम बनवा दूं। क्या करूं, कुछ करने का मन होता है आप जैसे को देख के, बोलो। तो वामन भगवान ने सुना, बोले बलि तुम्हारे वंश के अनुरूप तुम बात करते हो, तुम्हारे वंश में कोई कंजूस नहीं हुआ और तुम्हारे वंश में कोई डरपोक नहीं हुआ। ये वामन भगवान ने दो बात कही, तुम्हारे वंश में कोई कायर कोई डरपोक नहीं हुआ,
तुमको मालूम है तुम्हारे दादा प्रह्लाद, उनके पिता थे हिरण्यकश्यप और उनके ताऊ जी थे हिरण्याक्ष, ऐसा संबंध जोड़ा। हिरण्याक्ष से एक बार मालूम है तुमको, एक बार भगवान विष्णु की लड़ाई हो गई। कौन बोल रहा है? स्वयं मालिक साहब बोले, एक बार लड़ाई हो गई और इतनी जोर से लड़ाई हुई कि आज तक विष्णु को लड़ाई याद रहती है। बीच बीच में याद करते रहते हैं कि एक हिरण्याक्ष नाम का योद्धा था, बड़ी मुश्किल से विष्णु ने जीता था और जीतने के बाद उसको ये नहीं लगा कि सचमुच में मैं विजयी हुआ। नात्मानम जैनम मेने तद्वीर्यम भूरी अनुस्मरण, बोले आज भी याद करते रहते हैं। अब देखिए ना, मैच कांटे का हो तो आखिरी बॉल पे रन न बने और नो बॉल से जीत जाओ, तो रिकॉर्ड में तो जरूर होगा कि आप विजयी हुए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि क्या विजयी हुए। तो बोले विष्णु ने हिरण्याक्ष पर ऐसे विजय प्राप्त कि नो बाल से जीत लिया उन्होंने। तो आज तक याद करते हैं, तुम्हारे जो स्वयं प्रपितामह थे हिरण्यकश्यपु, जब उन्होंने भाई की मृत्यु सुनी तो गदा लेके दौड़ा विष्णु को मारने के लिए, और भगवान विष्णु दौड़े भागे गिरकंदराओं में गए, वो कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता था। तो भगवान विष्णु को बहुत भय लगा कि तो मार ही डालेगा। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहिर्मुख है, इसका नाम हिरण्यकश्यप है, ये तो हिरण्य सोने की ओर ही देखता रहता है, तो अगर मैं बाहर रहूँगा तो मार डालेगा। तो हिरण्यकश्यप के नासिका से भगवान विष्णु घुस गए उसके हृदय में, वहाँ जाके बैठे, तब जाके उनकी जान बची। ये महाराज हम सब लोगों के लिए है, भगवान बड़े सुरक्षित हैं। हम लोग इधर उधर खोजते जा रहे हैं, मालिक साहब घुस गए। लिखा है, नवा श्लोक है, यतो यतो हम तत्रासो मृत्यु प्राणभृतामिव, ये तो बिल्कुल मृत्यु बन करके हिरण्यकश्यप मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अतो हम, 19वें अध्याय का ये नवा श्लोक है, अतो हम अस्य हृदयम प्रवेक्षामि पराग दृशः, ये तो बहिर्मुख है और इसलिए हम हृदय में घुस जाते हैं, सो मैं बच जाऊंगा। तुम्हारे ऐसे परदादा थे दोनों, फिर तुम्हारे दादाजी प्रह्लाद जी, क्या कहना उनका, फिर तुम्हारे पिताजी थे विरोचन, ब्राह्मण भक्त थे, दानी थे, तो देवताओं ने तो ब्राह्मण वेश धारण करके उनका शरीर मांगा महाराज। वो जानते थे कि ये तो देवता हैं, फिर भी उन्होंने दान कर दिया। सो बलि, तुम्हारे वंश में कोई डरपोक नहीं हुआ, कोई कंजूस कृपण नहीं हुआ। तुम जो कह रहे हो ना, मैं क्या करूं, मांगो, तो वो तुम्हारे वंश के अनुरूप ही है। लेकिन अब मुझे तो केवल 3 पग धरती चाहिए। पदानित्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम, मेरे पांव से, किसी और के नहीं, तुम बहुत लंबे दिखते हो, तो मेरे पांव से 3 पद धरती चाहिए, ये मेरी मांग है। बलि ने कहा, बच्चे हो तुम, बातें बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन मांगने पर ये पता चला कि तुम बच्चे हो, तुमको मालूम नहीं कि तुम किसके सामने खड़े हो। हमारे यहाँ एक बार कोई मांगने आ जाए तो आगे से फिर वो याचक नहीं रहता। उसका भिक्षुक वृत्ति समाप्त कर देता हूँ,
अब तुम अरे फिर से मांग लो, मैं फिर से बोलता हूँ, अवसर देता हूँ, बदलो अपना वर, क्या चाहिए। वामन भगवान कहते हैं महाराज आप क्या दे दोगे, असंतोषी व्यक्ति हो तो उसको पूरी धरती मिलने पर भी संतोष होगा नहीं, पूरी दुनिया का धन भी असंतोषी को संतुष्ट नहीं कर सकता, और जो संतोषी है वो थोड़े में ही संतुष्ट हो सकता है। यह जो संतोष वृत्ति है वो धन सापेक्ष नहीं है, ये व्यक्ति सापेक्ष है। व्यक्ति कैसा है, आज तक ये तय नहीं हुआ कि व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति होगी तो वो संतुष्ट हो जाएगा। तुलसी एक कटी वस्त्र में संतुष्ट हैं, रमण महर्षि एक लंगोटी में संतुष्ट हैं, कबीर अपने जो कपड़ा बुनने का जो खड्डी बोलते हैं उसी से संतुष्ट हैं, बोले ये हमारा काम चल जाएगा इससे। एक बार भगवान ने उनके सामने बोला भाई कबीर कितना चाहिए, बोले इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। कबीरदास जी गृहस्थ आश्रमी थे, तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मेरा परिवार ठीक रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, मैं इतना दे दीजिए साईं, वो इतने में संतुष्ट हैं। सिकंदर जो है वो धरती पर उछलता कूदता रहता है, इतने लोगों को मरवाया, संत से कहा उसने जानते हो मैं सिकंदर हूँ, विश्व विजय के लिए निकला हूँ। बोले विश्व भगवान का है, तू तो केवल धरती पर उछल कूद रहा है दर साल और लोगों को परेशान कर रहा है। इस धरती में तू भी एक दिन मिल जाने वाला है। साई ये जो संतोष है वो बिल्कुल सब्जेक्टिव है, कब हो जाए उसका कोई बाहरी पैरामीटर नहीं है। सो मैं तो अपने पद से तीन पग ही मांगूंगा, उसमें मैं संतुष्ट हूँ, सिद्धोस्मि, इतने से मैं सिद्ध हूँ समझो आप। तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वत् भरतर्षभात् एतावतैव सिद्धोऽहम् वित्तम यावत् प्रयोजनम्। वित्त उतना ही हम लोगों को रखना चाहिए तो जितना तो प्रयोजन है, नहीं चाहिए ज़्यादा। बोले ठीक है, जब तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। कमंडलू से तो जल निकाला, बोले संकल्प लो। जब वो संकल्प लेने के लिए कथाकार लोग बोलते हैं कि जो जल निकाल रहे थे शुक्राचार्य जी उसमें घुस गए। तो बोले सींक से उस टोंटी में जो है वो डाला उसने, तो उनकी आंख कानी हो गई। अब देखो ये सब बातें ठीक नहीं हैं। शुक्राचार्य जी एक बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने अपने शिष्य को समझाया, बोले बेटा ये मुझे कुछ खतरा दिखता है, ये जो इसका तेज है ना ये इतना विशाल है तो ये निश्चित रूप से विष्णु लगता है, तो इसको मांगना मत तुम, इसको देना नहीं। बलि बोलता है महाराज अगर तो ये विष्णु हैं तो वैसे भी इन्हीं का है सब, फिर भी ये मांगने आए हैं और मुझको देने वाला बनाने के लिए आए हैं तो ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। जिसकी सब चीज़ें हैं वो हमको देने वाला बनाने के लिए आया हो, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। एक दूसरा, अगर ये मनुष्य हैं या कोई देवी देवता हैं तो इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती कि मेरी सारी संपत्ति कोई ले ले, मेरी संपत्ति इतनी थोड़ी भी नहीं है। सो दोनों ही तरीके से मैं तो देना चाहता हूँ। शुक्राचार्य जी महाराज नाराज हो गए, शिष्य को जरा डांटा, बोले तुमको मालूम है दान का स्वरूप क्या होता है, गुरु है ना तो हर चीज समझाते हैं, तो यह जो प्रसंग है उसको बोलते हैं शुक्र नीति। बहुत ही बढ़िया, ये अर्थशास्त्री लोग को थोड़ा सा शायद ज़्यादा उनके विषय के अनुरूप लगे,
शुक्राचार्य जी ये कहते हैं कि एक वृक्ष अगर जीवित है तब वो छाया देता है, तब वो फल देता है, तब वो फूल देता है, तब वो हवा को शुद्ध करता है, तब वो लकड़ी देता है, तब वो अपनी छाल देता है। वृक्ष अगर जीवित है, स्वस्थ है, तो वो सब देता है। लेकिन अब कोई आवे और वृक्ष ही काट दे तो फिर बोले ऐसे ही तो दान इतना करना चाहिए कि तुम जीवित रहो सो देते रहो। ये ना होवे ना कि वृक्ष ही कट गया तो आगे से वो क्या छाया देगा, कैसे फल देगा। ये जो आया है ना वामन, ये तो कोई छाया और फल और लकड़ी लेने नहीं आया। ये तो मुझे इसका रंग ढंग ऐसा दिखता है कि ये तो पूरा वृक्ष ही काटने आया है। बलि एक बात सुनो, धन को सावधान, बोले धन को 5 भागों में बांटना चाहिए, ये शुक्राचार्य की नीति है। क्या बोलते हो आपको, यह अर्थशास्त्र है भागवत जी का। 5 भागों में धन को बांटना चाहिए, 37वां श्लोक है। साबू जी जरूर अंडरलाइन कर लो भाई, वो देख रहा हूं मैं, कर रहे हैं उनका विषय है तो नेचरली। क्या बोलते हैं, धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वृत्तम् इहामुत्र च मोदते पंचधा विभजन वित्तम् इहामुत्रं च मोदते। बोले धन को पंचधा विभजन, 5 भागों में बांटना चाहिए। सबसे पहली जो जरूरत है आदमी की वो है धर्म की। तो धर्म के बारे में कई बार कुछ धारणाएं, भ्रांत धारणाएं भी होती हैं। धर्म उन मूल्यों को, उन विचारों को और उन आचरणों को बोलते हैं जिनसे धारणा होती है। बस ये सबसे सरल परिभाषा यही है, धारणा धर्म इत्याहुः, महाभारत में परिभाषा है। वो जीवन मूल्य जो धारणा करते हैं, वो विचार मान्यताएं जो धारणा करते हैं, वो आचरण रहनी जो धारणा करते हैं उसको बोलते हैं धर्म। तो मैंने 3 शब्द बोले हैं संक्षेप में। जीवन मूल्य सबसे अंतरंग होते हैं, फिर जीवन मूल्यों में विचार की जरूरत पड़ती है, विचार करके फिर मान्यता बनती है। ये जो मान्यताएं हैं ना, कंक्लूजन्स हैं, ये हमारे जीवन के डायरेक्टर्स हैं। अगर हमारी ये मान्यता बन गई कि झूठ के बिना काम नहीं चलता, तो उस व्यक्ति को व्हाट टू डू नाउ, ये है। तो जीवन मूल्य ये है, वेद ने कहा मातृ देवो भव। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो ये है। तो उसमें एक बात सुनने को मिली, मातृ देवो भव। नाउ भगवान राम के लिए भी यही वाक्य है, भरत जी के लिए भी यही वाक्य है। दोनों का जो जीवन मूल्य है वो एक ही है, क्या, मातृ देवो भव। लेकिन राम जी माता जी के कहने से बन चले गए, लेकिन भरत जी माता जी के कहने पर सिंहासन पर नहीं बैठे। अब भाई दोनों के गुरु तो एक ही हैं। वैल्यू सिस्टम इज नॉट डिफरेंट।
तो जीवन मूल्य को फिर विचार की जरूरत पड़ती है कि इस संदर्भ में, इस परिस्थिति में उस जीवन मूल्य को कैसे जिया जाए। भरत जी ने जीवन मूल्य नहीं बदला, केवल उसको चरितार्थ करने में फर्क है। उन्होंने देखा कि माता कैकेयी के भीतर जो माँ है ना, माँ की मूर्ति, उसका अपहरण हो गया। मान लो भरत जी ने जो व्यवहार किया, उस व्यवहार का परिणाम ये हुआ कि माता कैकेयी के हृदय में फिर से मातृत्व तो प्रकट हो गया। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। सो मानव मंदिर की जो चोरी गई मूर्ति थी वो फिर से आके प्रतिष्ठित की। किसने? भरत जी ने। तरीका बदल दिया बस, दोनों ने माँ को प्रतिष्ठा दी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जीवन मूल्य अपने आप में सब कुछ नहीं है, फिर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वो किस तरह से पालित किए जाएंगे, किस तरह से उनका क्रियान्वयन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, उसके लिए आपको हमको विचार की जरूरत है। बहुत विचित्र है ये, कभी ज़्यादातर सरल होता है लेकिन कभी कभी जटिल हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। एक दृष्टांत और देता हूँ। आचार्य देवो भव, ये अर्जुन ने पढ़ा था, दैट वॉज हिज वैल्यू सिस्टम, वैल्यू इन द लाइफ। और इसी जीवन मूल्य के कारण रणभूमि में उसको मोह हुआ। उसने कहा, अरे पूजार हउ अरिसूदना, ये जो सामने लोग हैं वो पूजा के पात्र हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं? मारो इनको। पढ़ा क्या था उसने? आचार्य देवो भव। अब देखो समस्या है। तो क्या अर्जुन ने अपने वैल्यूज बदल दिए? नो। अभी कितना कठिन होता होगा कि आचार्य में पूज्य भाव रखते हुए उसको मारो, हाउ डिफिकल्ट इट इज एंड हाउ टू सेटल डाउन। कहीं ना कहीं कितने विचार की, कितने आंदोलन, पूरी गीता सुनाई गई इसके लिए। वो तो दूसरे में दिखता है इसलिए लगता है ऐसा मोह हो गया था, दूर हो गया। आपको करना पड़े तो पितामह भीष्म, वो कहता है कथम भीष्मम अहम संखे द्रोणम च मधुसूदन, कथम, दिस वॉज हिज पेन। इशुभि प्रतियोत्स्यामी पूजा रहा वरिसूदन, गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपी है लोके। बोले इट विल बी फार फार ग्रेटर एंड सुपीरियर टू बेग एंड लिव। देखो, भुंजी भोगान रुधिर प्रदिग्धन, व्हाट एक्सप्रेशन, इफ यू सी द पोएट्री। वो बोलता है जब मैं भोजन करूंगा तो मुझे लगेगा मेरे पितामह का इसमें खून लगा हुआ है, जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो आई विल फील कि इसमें रक्त सना हुआ है। ये जो आसन में लाल लाल रंग हैं वो रंग नहीं है। हाँ, रुधिर प्रदिग्धान ही सेज। सो केवल जीवन मूल्य पर्याप्त नहीं होते, जीवन मूल्यों के पीछे गंभीर विचार की जरूरत पड़ती है, जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बिकॉज ऑफ द थिंकिंग पावर यू आर एबल टू ट्रांसलेट देम, इट बिकम्स प्रैक्टिकल, इट बिकम्स लिवेबल, अदरवाइज केवल वैल्यू ही रह जाएगा। सो जीवन मूल्य फिर विचार, और केवल विचार नहीं फिर आचार हो, उसको बोलते हैं फिर धर्म। लेकिन तीनों का लक्ष्य ये हो कि उससे धारणा हो, आपकी, आपके परिवार की, आपके समाज की, आपके राष्ट्र की। अब घर में देखो, संतान अगर पुत्र धर्म का निर्वाह करती है, क्या मतलब है कि उसके जो वैल्यूज़ हैं वो वही हों जो भारत में पुत्रों के लिए
बोला गया। एंड ही हैज डेवलप्ड द थिंकिंग कैपेसिटी ऑल्सो, और फिर वो आचरण भी करता है एक भारतीय पुत्र की तरह, तो फिर परिवार में सुख होता है, नो डाउट अबाउट। पति पति की तरह रहे, पत्नी पत्नी की तरह रहे, भाई भाई की तरह रहे। घर की जो धारणा है वो धर्म से है। एक पति अगर धर्म छोड़ दे तो बस महाराज कलहम, पत्नी छोड़ दे तो महाकलहम, क्योंकि पति को तो वो क्षमा कर देती हैं कई बार, बट वो महाराज ओम नारायण, हाँ उधर नहीं होता कुछ। सो सुख शांति धारणा कौन कर रहा है? धर्म। वो लोग समझते हैं धार्मिक होना गड़बड़ चीज है, मूर्ख हो। धर्म ही है जो धारण करता है। सो देयर शुड बी अ सिस्टम जहां से हमारे वैल्यूज ठीक रहें, हम में विचार की सामर्थ्य बढ़े और आचरण के लिए हमें प्रेरणा मिले। तीनों चाहिए ना। आई शुड बी एबल टू रिसीव कंटिन्यूअसली द राइट वैल्यूज, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, नहीं तो पता चला कि हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है एज पर द मीडिया। तो सोर्स ऑफ वैल्यूज क्या हैं? बोले अखबार, मरोगे फिर। क्योंकि वो कब क्या बोलते हैं कुछ समझ नहीं आती। चैनल की ऐसी बढ़िया बढ़िया न्यूज, किसी भैंस के बच्चा हुआ है वो भी एक न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है हमारा। व्हाट टू डू। द राइट सोर्स फॉर द वैल्यूज हैज टू बी देयर। फिर कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम सबके भीतर विचारों की वृद्धि हो, विचार शक्ति का विकास हो, और फिर देयर शुड बी सम पीपल हु शुड इंस्पायर अस टू एक्ट दैट वे। शास्त्री जी ने कहा सोमवार को व्रत करो, सबने किया, बहुत लोगों ने किया। अब कोई कहे तो नारायण, सवाल पूछने के लिए कुछ कुछ करते हैं संसद में, है नहीं? अब वो कहें कि आप व्रत रहा करो, मानोगे आप? सो धर्म की जो सिद्धि होती है उसके लिए कम से कम तीन चीज चाहिए। किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी कम्युनिटी में कहीं न कहीं हमारे वैल्यूज़ को सही तरीके से प्रस्तुत करने वाला कोई होना चाहिए, क्लियर, साफ सुथरा। उसके लिए शास्त्र और शास्त्री दोनों चाहिए। देखिए, और वो आकाश में से नहीं गिरते हैं, यू नो। शास्त्र की शुद्धता बनाए रखने के लिए भी विद्वान चाहिए, संस्थाएं चाहिए, और शास्त्रियों के निर्माण के लिए भी संस्थाएं चाहिए। तो सांदीपनी नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं बैठता आज। वो गुरुदेव बोलते थे कि मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर निकलते हैं, माता के गर्भ से नहीं। If you need a doctor, you have to have a medical institution. See? So, जब धर्म की बात आती है, if one realizes कि the religion धर्म की जरूरत है हर व्यक्ति को, हर घर को, हर समाज को, पहला तो realization यही होना चाहिए। अगर तो हम ये realize करते हैं फिर धर्म अपने आप ही हो जाएगा। उसकी सिद्धि के लिए शास्त्र, शास्त्री, आचरण करने वाले, ये सब होने चाहिए। उसके लिए फिर उस तरह की संस्थाएं भी होनी चाहिए जो उनको पैदा करे, जो उनका निर्माण करे। और जब वो संस्थाएं होंगी तो उनमें व्यय भी होगा।
आप मेडिकल कॉलेज पे, इंजीनियरिंग कॉलेज पे, एमबीए पे, आईआईएम से उस पे खर्चा होता है, दैट इज जेन्युइन। ठीक है, लेकिन फिर जहाँ से विद्वान निकलते हैं वहाँ कोई खर्चा नहीं होता। तो फिर वो खर्चा कहाँ से आता है? शुक्राचार्य जी कहते हैं हर व्यक्ति को धर्म के लिए कुछ निकालना चाहिए। पहला शब्द बोला है धर्माय। धर्माय का मतलब ये नहीं है कि रोज थोड़ा निकाल करके फिर कार से जब जाते हैं तो वो सिक्के जो है ना आते हैं ना वो जहाँ रेड सिग्नल हो, बोले धर्म कर रहा हूँ भाई करो वो। लेकिन धर्म एक गंभीर विषय है और उसके लिए एक गंभीर अप्रोच की जरूरत है। ये सतही अप्रोच से वो सब काम होता नहीं। जिन लोगों ने हम तक वो वैल्यूज पहुंचाए, वो शास्त्र पहुंचाए, वो शास्त्री पहुंचाए, वो लोग गंभीर लोग थे, वो सतही लोग नहीं थे। उनको मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। संस्था संस्था के लिए नहीं चलती, उसका एक पर्पज होता है। देखो सो धर्माय पहला लक्षण यही है। फिर कहा यशसे। यश के लिए धन का एक हिस्सा निकालना चाहिए। बोले महाराज यश के लिए आप हमें क्या बोलते हो, लोकेशना बढ़ा रहे हो हमारी। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि गुमनाम मर जाना कोई मतलब नहीं है उसका। ये क्या मतलब है, क्या मतलब है? फिर ध्यान देना, यश तभी बढ़ता है व्हेन यू शेयर। यशो में गतम दीक्षु दान प्रतापात। दान के प्रताप से ही यश का विस्तार होता है। इफ आई शेयर माई नॉलेज You will come to know and appreciate। लेकिन अगर हम शेयर न करें तो आप रखो, ठीक है। इफ यू शेयर योर मनी यू विल बी अप्रिशिएटेड, रिकग्नाइज बाई सोसाइटी। इफ यू शेयर योर टाइम यू विल बी रिकग्नाइज। यश का एक ही साधन है और कोई साधन ही नहीं है, शेयरिंग। तो जब वो कहते हैं यश से, यश के लिए धन निकालना चाहिए, क्या मतलब है? कि समाज की चिंता करना है और वो भी केवल वाचा नहीं, धन का कुछ हिस्सा उधर निकलना चाहिए। सो समाज के लिए, धर्म के लिए दो चीज कह दी। उस समाज में राष्ट्र भी आता है, यू नो। तो धर्म के लिए और राष्ट्र समाज के लिए दो हिस्से ये हैं धन के। ये भागवत की इकोनॉमी चल रही है, देख लो आप अगर आपको जचती हो तो। क्योंकि हो सकता है एमबीए में न पढ़ाया जाता हो, इतना व्यापक दृष्टिकोण कई बार होता नहीं। धर्म तो समझते ही नहीं लोग, बस वो तो समझते हैं धर्म तो आकाश में से ऐसे ही गिरता होगा बरसात के दिनों में, यू नो। आज मुझे शंकर भाष्य चाहिए तो शंकर भाष्य कहीं मुद्रित होगा, कहीं छपेगा। वो छपने के लिए प्रेस चाहिए और छपवाने वाले विद्वान चाहिए। मैं बैठा कैलाश आश्रम में, विद्यानंद स्वामी जी बहुत ही प्यार है उनका, तो 7-8 विद्वान ब्रह्मचारी स्वामी जी लोग बैठे थे। ग्रंथ शोधन 1 घंटे रोज होता है। सामने बैठ के 10-10 किताबें लेकर के बैठते हैं लोग। संस्कृत में एक हलंत भी इधर उधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। शुद्धतम छपती हैं किताबें वहाँ से, उसके लिए उतने लोग चाहिए, वो स्वयं विद्वान होने चाहिए। मैं 1 घंटा बैठा, आदेश था, ऋषिकेश में था मैं, तो पहले वो लोग आए मिलने, वहाँ के आचार्य हैं स्वामी मेधान जी, हमारे मित्र हैं, बहुत प्रेम है, संदेश दिया। तो मैं गया फिर दूसरे दिन, तो 1 घंटा बैठा रहा। तो समझ में आता है विद्वान एव जानाति विद्वत जन परिश्रमा।
गंभीर पुस्तकें निकालने के लिए, शुद्धतम निकालने के लिए पहले उनको कितना विद्यार्जन करना पड़ता है। आज गीता प्रेस ने कुछ किताबें निकाली, कितनी मेहनत करते हैं, आई नो देम, उनके सेल बने हुए हैं विद्वानों के। तब जब हम रामायण पढ़ते हैं तो बोले गीता प्रेस का है तो शुद्ध होगा, तो शुद्ध होगा मैंने अपने आप ही, अपने आप ही तो नहीं हो सकता। गुजराती में भागवत जी का अनुवाद करके छपाया गीता प्रेस ने। आए थे ना द्वारका भाई भट्ट, हमारे पास 15 दिन रहे, बहुत प्रेम है। ऋषिकेश में उनको पूरा स्थान दिया, व्यवस्था दी, वहाँ उन्होंने अनुवाद किया और फिर वो हमारे पास आए, 15 दिन हमारे पास रहे। तो वो ऐसे नहीं हो जाता है, हमको जो मिलता है दिखाई देता है हमको लगता है हाँ ये ठीक है, ठीक है माने उसके पीछे देखो जरा मेहनत। आकाश में से न शास्त्र गिरते हैं न शास्त्री गिरते हैं, इसके लिए परिश्रम चाहिए, उसके लिए संस्थान चाहिए, इसके लिए एक व्यवस्था चाहिए। और हल्के लोग नहीं चाहिए, सतही अप्रोच से ये सब चीजें नहीं होती। सो धर्माय, धर्म के लिए खर्चा अलग और राष्ट्र समाज के लिए जो धन है वो अलग। धर्माय यशसे, तीसरा कहा अर्थाय, गृहस्थ को अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कुछ धन जरूर निकालना चाहिए, सब खा जाए वो ठीक नहीं। अर्थाय ये तीसरा क्षेत्र है। फिर कहा कामाय, माने यू मस्ट प्लीज योर सेल्फ, एन्जॉय योर सेल्फ, भोग के लिए धन होना चाहिए, निकालना चाहिए, इतना कंजूसी से जीने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट एन्जॉय योर मनी, यू नो, नहीं तो पता चला यू रिमेन फ्रस्ट्रेटेड। वो नहीं चाहिए। वो क्या मतलब है धन रख करके? शास्त्र बोलता है तृप्ति भी होनी चाहिए जीवन में, अर्थ वृद्धि के लिए धन रखना चाहिए, राष्ट्र समाज के लिए रखना चाहिए, धर्म के लिए रखना चाहिए। और पांचवा हिस्सा कहा स्वजनाय च, और जो आप जब पढ़ रहे थे, आपने जब काम शुरू किया तो आपके पिता पितामह ने आपको एक स्टार्ट दिया, तो जब आपके बच्चे शुरू करेंगे एंड देन यू हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट, तो ये तो गलत बात है। स्वजनाय च, जो आपके लोग हैं उनके लिए भी धन होना चाहिए। सो पंचधा विभजन वित्तम, दिस इज कॉल्ड बजटिंग। राष्ट्र का बजट बनना चाहिए, अरे भाई इंडिविजुअल का भी बनना चाहिए। राइट लोकेशन इन राइट एरिया, ये जरूरी है। पंचधा विभजन वित्तम यहा मूत्रार्थ यहा मूत्र च मोदते, यहाँ भी वो प्रसन्न होता है और उसकी सदगति भी होती है। देखो ये 37वां श्लोक है 19वें अध्याय का। तो जब ये लोग, मुझे विस्मय होता है कि हमारे आचार्य लोग जब समाज पर सोचते हैं तो वो भी इतना ज़बरदस्त होता है कि हम उसके सामने बौने हो जाते हैं, जब ये लोग धर्म पे सोचते हैं तो भी ज़बरदस्त, क्या चिंतन है, सामर्थ्य देखो। धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहा मूत्र च मोदते। पंचधा विभजन, शुक्राचार्य जी ने समझाया, बलि ने कहा महाराज ये सही है, साधारण परिस्थिति में यही सही है और अब तक मैं यही करता आ रहा हूँ, लेकिन वामन भगवान के संदर्भ में नहीं। भगवान के संदर्भ में ये नीति सही नहीं है,
भगवान के सामने तो सर्वस्व लुटाने वाली बात है, उन्हीं का है, इसमें मैं अपना विवेक क्या लगाऊं। सो कृपा करिए, मुझे अनुमति दीजिए, मैं तो ये दान करना चाहता हूँ। शुक्राचार्य जी महाराज बहुत नाराज हो गए, बोले दुष्ट, गुरु की आज्ञा का अवमानना करते हो, तुम बहुत जल्दी ही श्री भ्रष्ट हो जाओगे। वामन भगवान ने कहा, जो काम मैं करने आया वो काम आपने पहले ही कर दिया। सी, ये भगवान जो चाहते हैं वो होता ही है। बोले भ्रष्य से श्रिय मत शासनाति को, मेरे शासन के बाहर जाता है, श्री भ्रष्ट हो जाओ। चलो जी, पावन भगवान ने मन में बोला होगा, साधुवाद बाढ़म स्वागतम करो। बलि ने संकल्प लिया महाराज, और भगवान ने जब नापना शुरू किया तो अपनी देह इतनी विस्तृत कर दी कि सारा आकाश भर गया। सो आकाश को तो नाप लिया देह से, और पैर से नाप लिया पूरा भूलोक, और दूसरे पैर से नाप लिया स्वर्लोक। बोले बलि, तृतीयम उपकल्पया, ये तीसरा पैर कहाँ रखूं? बोलो, तुम्हारे कुल में अब तुम्हारी अपकीर्ति होने वाली है कि तुमने वचन दिया पूरा नहीं किया, तुम असत्यभाषी माने जाओगे बलि, इससे तो तुम्हें नरक मिलने वाला है। बांध लिया उसको। महाराज बलि ने कहा, महाराज ये कभी नहीं हो सकता, मैं असत्यभाषी सिद्ध हूँ, ये कभी हो नहीं सकता। वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते, 22वां अध्याय का दूसरा श्लोक है। करोमि ऋतम तन्न भवेत प्रलंबनम, मैं अपनी वाणी सिद्ध करके दिखाऊंगा, आपने अभी तक जो नापा है वो मेरा को नापा है, जो मेरा था उसको आपने नाप लिया, मैं तो बचा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ, कल कह रहा था मैं कि उससे बड़ा दानी कोई हुआ नहीं जहाँ तक मेरा स्वाध्याय है। लोग मेरा का दान करते हैं, मेरा में भी आधे का, आधे में भी आधे का, 1 करोड़ हो तो 10 रुपया देने में क्या हर्ज है? मेरा 100 रुपया हो और 90 रुपया देना हो तो मुश्किल हो जाता है। मेरा में भी कुछ हिस्सा होता है। यहाँ मम का दान किया, फिर अहम का दान किया। बलि की ये महिमा है, अहम और मम दोनों का ही दान करने वाला, शायद अकेला ही दानी है, मुझे कोई तो अभी तक तो पढ़ने में आया नहीं। वो बोलता है, पदम तृतीयम कुरु शीर्षनी में निजम, आप मेरे सिर पर रखो ये तीसरा पैर, मैं झूठा साबित नहीं होऊंगा। वामन भगवान ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। बोले महाराज, कभी नहीं हो सकता ये, देना कह करके मैं आपको, आप धोखे में नहीं रहेंगे, आप चिंता न करो। बलि के सामने वामन भगवान सचमुच में वामन हो गए। ऐसी स्थिति है, भगवान की ही कृपा से वो हुआ, लेकिन हुआ तो जरूर। बोले बलि, अब तुम न रहे? बोले नहीं रहा, 5 में बांध दिया गया, क्योंकि वो खुद अपना दान कर चुका, तो 5 बद्ध हो गया बलि। उस समय प्रह्लाद जी पधारे, दादाजी, भगवान को प्रणाम किया, देयर इज नो कंप्लेन, यू नो। प्रह्लाद जी ये नहीं कहते कि इतनी भक्ति करी हमने आपकी, हमने की, हमारे पौत्र ने की, और आप ये करते हो, नहीं। तो प्रणाम किया है, और प्रह्लाद जी के सामने बलि चूंकि बंधा हुआ है, पहले प्रह्लाद जी जब कभी आते थे तो बलि उनको अर्घ्य देता था, पांव धुलाता था, फिर फूल की वर्षा करते हुए आसन पिलाता था,
बैठाता था, चंदन लगाता था, सारे उपचार करता था। आज वो बंधा हुआ है तो थोड़ा लज्जित हो गया कि पहले जैसा मैं स्वागत अपने दादाजी का नहीं कर पा रहा हूँ। सिर झुकाया उसने, बंधे बंधे ऐसे प्रणाम किया, समरहणम नोपजहार पूर्ववत, पहले जैसा प्रणाम नहीं कर पाया। केवल सिर झुका दिया वहीं से। प्रहलाद जी तो बहुत प्रसन्न हैं। प्रहलाद जी भगवान के सामने जो बात कहते हैं, ऐसा कोई शायद बिरला भक्त बोल सकता है। 16वां श्लोक है ये, त्वयैव दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितं हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनम्, मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहः, विभ्रंशितो यच्छ्रियात्ममोहनात्, यया हि विद्वानपि मुह्यते यतः, तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा, तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिललोकसाक्षिणे। बोले प्रभु, ये जो ऐन्द्र पद आपने दिया प्रह्लाद को, बलि को, बोले आप ही ने दिया था। त्वयैव दत्तम, और जब दिया तो बड़े तरीके से दिया। भगवान जब देते हैं ना, बड़ा विचित्र मामला है, देते वही हैं लेकिन छिप के देते हैं। उनकी जो देने की रीत है वो या तो वही जानते हैं या उनका कोई बिरला भक्त जानता है। देने वाला छिप के देवे बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान, आप जानते हो, देने के बाद आदमी थोड़ा सा चाहता है कि यू मस्ट रिकग्नाइज। इसलिए फिर हमारे कार्यकर्ता लोग माइक लेकर के, यू नो, और वो भी बेचारे इस आशा में करते हैं कि अगली बार फिर भी करेगा ये, क्योंकि हमने अभी इतना रिकग्नाइज किया, थोड़ा मान सम्मान किया, तो अगली बार जाएंगे तो याद रहेगा इसको। क्या करें, दुनिया का ऐसे ही हाल चाल है। चलती है ऐसे दुनिया, आप व्हाट टू डू। भगवान देते हैं लेकिन बहाना बना के देते हैं। ऐसे लगता है आदमी को कि मैंने किया, मैंने अर्जित किया बस। और कोई बहुत सावधान हो तभी उसको लगता है कि ना ना ना, मिला है। लेकिन ज़्यादातर भगवान जो हैं यहाँ पर फिसला देते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को ये भ्रम हो ही जाता है कि आई हैव अर्न्ड इट। विचार करके देखो, जब भी हमारे हृदय में श्रद्धा होती है उस समय आनंद होता है, उस समय रस होता है। अश्रद्धा कड़वी होती है। जब कहीं हमारा संशय होता है उस समय हमारे चित्त में थोड़ी जलन होती है। अश्रद्धा का जो स्वाद है वो गर्म है, उष्ण है, लेकिन जो श्रद्धा का स्वाद है वो शीतल है। तो श्रद्धा का एक घटक, एक तत्व है आनंद की अनुभूति, और दूसरी है श्रद्धा के लिए शर्त कि सामने वाला तो महिमा संपन्न हो। सो दोनों मिले तो श्रद्धा हुए। अब देवता लोगों का जो आचरण है कदाचित, तो वो कभी कभी तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं करता है। ऐसे में भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं तो बात खटकती है। महाराज परीक्षित को भी ये प्रश्न है, और उनके परदादा, उनके दादा युधिष्ठिर जी को भी यही प्रश्न है। तो इसका उत्तर दिया 7वें स्कंद में, पहले प्रकरण में भगवान की समता का स्वरूप समझाया गया।
तो एक दो बातें इसमें फिर से स्मरण कर लें। तो प्रभु की ओर से, अपनी ओर से विषमता होती नहीं। भगवान जो व्यवहार करते हैं तो वो जो व्यवहार करते हैं वो जीवों को अपने सन्मुख करने के लिए ही करते हैं, चाहे वो अनुग्रह लीला हो चाहे वो तो दंड की लीला हो। एक संत ने हमें कहा कि एक मधुर कृपा होती है तो एक कठोर कृपा होती है। ये बोल दिया उन्होंने, वो दोनों ही कृपा है। तो जब कभी तकलीफ होती हो तो बोले कठोर कृपा हो रही है, क्योंकि उसके जरिए भी प्रभु चाहते यही हैं कि हमारी वृत्ति उनकी ओर लगे। ये तो उनकी दृष्टि से एक ही वृत्ति है, सम है, वो सबके प्रति सम है। दूसरा एक भाव है, इसको समझना चाहिए अध्यात्म में, पहले इसको समझना चाहिए। जो देव वृत्तियां हैं ना, तो बाहर अधिभूत में जो सज्जन लोग हैं वो देवताओं के प्रतिनिधि हैं, जो दुर्जन लोग हैं वो मानो तो असुरों के प्रतिनिधि हैं। नॉट एग्जैक्टली, ये मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। असुरों में अथवा दैत्यों में जो मुख्य प्रधान वृत्ति है वो है बलाभिमान, उद्यम का आग्रह, पुरुषार्थी हैं, उद्यमी हैं। तो ईश्वराश्रय को नहीं मानते। आप थ्रू आउट देखो तो जो दैत्य वृत्ति है वो परिश्रम को प्रधान मानती है, उद्यम को प्रधान मानती है, बल संग्रह में विश्वास करती है। तपस्या की उन्होंने लेकिन बल के लिए की, चाहे वो हिरण्याक्ष हो चाहे हिरण्यकश्यप हो, कोई भी हो। तो ईश्वराश्रय को कदाचित वो कमजोरी मानते हैं। तो जब यह वृत्ति होती है तो समझना चाहिए कि हम किस पक्ष में जा रहे हैं। अच्छा, देव वृत्ति ऐसी है, वो भी बलवान तो हैं, ऐसे निर्बल नहीं हैं, लेकिन फिर उनके जीवन का जो मुख्य आश्रय है वो उद्यम नहीं है, मुख्य आश्रय बल नहीं है, मुख्य आश्रय प्रभु हैं। और ऐसा करने में उनको कोई हिचक नहीं है, संकोच नहीं है। तो ईश्वराश्रय को प्रधान बना करके जब जीवन चलता है या जिन लोगों का जीवन चलता है, आप समझिए उसको देववृत्ति बोल देते हैं। नाउ ये अधिभूत हुआ। तो अध्यात्म में भी देवता भी हैं और दैत्य भी हैं। कई बार हमें अधिदैव एकदम समझ में आता नहीं, तो अधिदैव समझ में नहीं आता तो अध्यात्म को समझना चाहिए, क्योंकि वही कुछ भीतर भी है। अध्यात्म को समझ के फिर अधिभूत को समझना चाहिए, फिर थोड़ी आसानी हो जाती है अधिदैव को समझने में। सत्ता तीन है। जब सृष्टि काल होता है तो सत्ताएं हमेशा तीन होती हैं। तो हमारे भीतर जैसे आसुर वृत्ति भी है और देव वृत्ति भी है, आपने 16वां अध्याय पढ़ा। नाउ देव वृत्ति का स्वभाव क्या है देखो। तो देव वृत्ति अगर अपने बूते पर, अपने बल पर अगर विजयी हो जाए, ईश्वर का आश्रय लिए बिना ही अगर देव वृत्ति विजयी हो जाए, तो एक दुर्घटना घटती है। वो क्या घटती है कि वो देववृत्ति आसुर हो जाती है। ये समस्या है। इसका सबसे ज्वलंत दृष्टांत है नारद जी की काम विजय। ब्रह्मचर्य तो देववृत्ति है, संयम तो देववृत्ति है, लेकिन अब क्या हुआ कि नारद जी को काम पर विजय प्राप्त हुई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ईश्वराश्रय की अनुभूति उनको हुई नहीं। उनको लगा कि मेरा संयम है जो पराजित नहीं हुआ। तो ब्रह्मचर्य वृत्ति की विजय तो हुई, लेकिन उसके पीछे आया अभिमान।
किसका अभिमान? उसी ब्रह्मचर्य वृत्ति का। तो अब जो ब्रह्मचर्य वृत्ति है वो देव वृत्ति हुई कि असुर वृत्ति हुई? अब वो असुर वृत्ति हो गई और उसका परिणाम ये हुआ कि वो गए महाराज ब्रह्मा जी के पास। अब देखो, अभिमान तो हमेशा ही प्रदर्शन चाहता है, अभिमान संकोच की वृत्ति नहीं है, अभिमान चाहता है दिखना। तो गए महाराज ब्रह्मा जी के पास, वहाँ बोले ये तो गड़बड़ हो गई बच्चे के साथ। शिव जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, अंततः देखो क्या हुआ। तो उस अभिमान की शांति के लिए प्रभु की लीला ये हुई कि उनको काम से हरवाया भगवान ने, है नहीं, स्वयंवर में जाना पड़ा उनको। बानर की आकृति हुई, झूठ बोलना पड़ा। जब अच्छी खासी पिटाई धुनाई हो गई तब जा कर के वो आसुर वृत्ति मरी। सो देवता लोग हार जाते हैं, बार बार भगवान के पास जाते हैं, ऐसा हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो वो ठीक ही मिलता है, क्योंकि देव देव नहीं रह पाता यदि वो ईश्वराश्रय न ले। ईश्वराश्रय न ले तो वो बलाभिमानी हो जाएगा। बलाभिमानी को ही दैत्य बोलते हैं। देखो, आसुर भाव तो वही है। तो अगर ईश्वराश्रय हो तो वो असुर योनि में भी फिर वो तो भक्त है, जैसे वृत्रासुर हुआ, तो जैसे प्रह्लाद हुआ। अब वो भागवत है, उनको हम सीधे सीधे असुर नहीं बोल सकते। असुर योनि है, उस वंश में पैदा हुए, लेकिन उनका असली रूप बन माना गया परम भागवत। ये जो कंट्रास्ट है एक ही वंश में, किसका किसका? हिरण्यकश्यप का और प्रह्लाद का। अब देखो, हिरण्यकश्यप है दैत्य वंश का असली प्रतिनिधि, कहे का विष्णु महामायावी, आज तक कभी सामने खुल के लड़ता नहीं, भागता रहता इधर उधर। बल संपन्न है, ईश्वरो हम बोलता है। प्रह्लाद जी कहते हैं तुम्हारा भी बल वही है, मेरा भी बल वही है। सो प्रभु जो है देववृत्ति का पक्ष लेते हैं, क्योंकि देववृत्ति उनका आवाहन करती है, उनके आश्रय में रहती है। और देववृत्ति देववृत्ति कहलाती ही तब है ना, तो जब वो प्रभु के आश्रय में रहे। ये अध्यात्म का सच है, यही अधिभूत का भी सच है। तो बाहर की दुनिया में भी जो सज्जन है वो तभी तक सज्जन है जब ईश्वर के आश्रय में रहे। जहाँ उसको अपने गुणों का, वंश का, बल का, उद्यम का मान हुआ, जहाँ उसका आश्रय बदला, तो फिर तो दक्ष हो जाता है। दक्ष माने चतुर हुआ, लेकिन फिर वो ईश्वराश्रय से वंचित हो गया। तो ये अध्यात्म का भी सच है, तो अधिभूत का भी सच है, तो यही फिर अधिदैव का भी सच है। तो इस विषय में फिर प्रह्लाद जी की कथा सुनाई है सुखदेव जी महाराज ने, बल्कि नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को बड़े ही विस्तार से सुनाई, बड़ी दिव्य कथा है। एक भक्त का हृदय कैसा हो जाता है भक्ति करते करते, उसकी सोच कैसी हो जाती है, किस तरह से वो परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करता है, निर्भयता का क्या रूप होता है, अद्भुत है। और निर्भयता बिना अभिमान के, भय नहीं है हिरण्यकश्यप के सामने, एट द सेम टाइम अभिमान भी नहीं है। ये जो दुर्लभ संयोग है, कई बार हम लोग निर्भय होते हैं तो उस है ना, बल्कि अभिमान पूर्वक ही निर्भय होते हैं, मैंने क्या बिगाड़ लेगा, लाइक दैट।
उसमें कहीं रजस एकदम उछला रहता है और अभिमान वृत्ति के साथ ही व्यक्ति निर्भयता में आता है। लेकिन यहाँ प्रह्लाद जी इतने शांत हैं और निर्भय हैं, इस तरह की जो एक दिव्य संरचना होती है भीतर, वो बिना भक्ति के नहीं हो सकती। शीतलता हृदय में है, निर्भयता हृदय में है, ईर्ष्या किसी से नहीं है, अभिमान का लेश नहीं है। जो लोगों को बल दिखता है, जैसे हिरण्यकश्यप को बल दिखता है प्रह्लाद में, बोले किसके बल से ये सब करते हो। लोगों को बल दिखता है लेकिन प्रह्लाद उसको अपना मानते नहीं। भक्त में लोगों को प्रभाव दिख सकता है, दिखता ही है, लेकिन उस प्रभाव का स्वामित्व कभी भक्त में आता नहीं। तो ये अद्भुत रचना है। एक चीज आपके पास है, आप उसका उपयोग प्रयोग भी कभी करते दिखाई देते हो, इसके बावजूद उसके साथ ममता होती नहीं। ऐसी जो हृदय की संरचना है वो बुद्धि के गणित से तो हो नहीं सकता। तो मेंटल जूडो कराटे से होता नहीं। ये तो भक्ति माता हैं जो हृदय को इतना खूबसूरत बना देती हैं। जहाँ प्रभाव है, निर्भयता है, अभिमान नहीं है। प्रभाव है लेकिन उस प्रभाव में मम भाव नहीं है, अंतःकरण शीतल बना हुआ है। इतना शीतल है कि जिसने इतनी पीड़ा पहुंचाने का प्रयास किया हो तो उसके भी उद्धार की कामना करते हैं। प्रह्लाद जी कहते हैं मेरे पिता पवित्र हो जाएं। देखो, अंतःकरण ऐसा बना भक्ति माता की दया से, कृपा से, कि कामना का उत्पन्न होना, कामना का अंकुरण होना बुरा लगता है। तो क्यों बुरा लगता है? प्रह्लाद जी ने कहा कि अगर कोई कामना मेरे भीतर दिखाई भी देती है तो कृपा करके आप उसको दूर कर दो। ऐसा क्यों लगता है प्रह्लाद जी को? कामना करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि कामना का विषय होता है बाहर, तो मालिक साहब की अनुभूति होती है भीतर। तो कामना वृत्ति हमारे मन को उस विषय से जोड़ती है और प्रभु से दूर करती है, तोड़ती है। यही तो होता है, और क्या होता है? भक्त को ये पसंद नहीं, उसको लगता है हमारी वृत्ति प्रभु से निरंतर जुड़ी रहे और उससे दूर करने वाली कोई वृत्ति हमारे मन में ना आवे। तो प्रभु की सन्मुखता का रस इतना भाया हुआ है, इतना प्रिय लगता है कि वो उससे हटना नहीं चाहता। ये तो भक्ति की महिमा है। हमारे नारद भक्ति सूत्र में कहा, प्रतिक्षणम वर्धमानम, यही ना। तो जो स्मरण में रस है, जो सम्मुखता में रस है, वो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और उसमें बाधा पहुंचाने वाला कोई भी तत्व तो फिर खटकता है। ये भक्त की महिमा है। भक्त का भीतरी जीवन है, वो बाहर लोगों को वैराग्य के रूप में दिखता है, त्याग के रूप में दिखता है, निर्भयता के रूप में दिखता है। वो बात तो केवल इतनी है कि वो मालिक साहब का हो चुका है 10 साल। सो प्रह्लाद जी का एक दिव्य चरित्र हमारे सामने आता है 7वें स्कंद में, और 8वां स्कंद जो शुरू होता है उसमें महाराज बलि की कथा है और समुद्र मंथन की कथा है, गजेंद्र मोक्ष की कथा है। वो हम लोगों ने कल समझने का प्रयास किया। समुद्र मंथन के बारे में आचार्य लोगों का भाव ऐसा है
कि जैसे अधिदैव में समुद्र मंथन होता है, वैसे ही फिर अधिभूत में भी हो सकता है। यहाँ लिखा है कार्यार्थ गौरवे, अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, बहुत गंभीर कोई लक्ष्य हो, तो दुश्मन से भी संधि करने में तो संकोच नहीं करना चाहिए। ये कहा, व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो उसको संधि विग्रह का रहस्य जानना चाहिए। विग्रह माने दूरी, दूरी भी इसीलिए बनाई जाती है कि हमारा लक्ष्य तो उसमें विक्षेप होता है, इसलिए चलो दूर ही रहो। वैर बढ़ाने के लिए दूरी नहीं होती। और संधि करने में संकोच नहीं अगर तो लक्ष्य बड़ा हो तो, यह अधिभूत में तो मंथन के लिए पहली पृष्ठभूमि है और प्रभु की कृपा उसमें छाई रहती है अगर दोनों मिलकर उद्यम करें तो। अध्यात्म में ये समुद्र मंथन का बड़ा दिव्य रूप मानते हैं। बोले समुद्र मंथन कहाँ हुआ, तो खारे सागर में नहीं हुआ, ये लिखा है क्षीर सागर में हुआ। और पहले सारी दुनिया भर की औषधियाँ उसमें डाली गई, कथा यही है। फिर मंदराचल पर्वत आया, वासुकी नाग आए और मंथन शुरू हुआ। आचार्य लोग भाव बताते हैं, बहुत ही सुंदर भाव है कि हमारे अंतःकरण का तो मंथन होना है, उसमें रत्न छिपे हैं, लेकिन वो खारा सागर नहीं होना चाहिए। विशुद्ध सत्व प्रधान बनाइए उसको, तब वो मंथन के लायक बनेगा। वो सत्व संपन्न हो, अंतःकरण में स्वच्छता भर जाए, फिर उसमें दुनिया भर की औषधि डाली जाए, है ना, सुना जाए शास्त्रों से, खूब सत्संग होए, शास्त्रों के विचार, शास्त्रों के सिद्धांत, वो सब के सब हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट हों, ये बहुत जरूरी है। वो कहते हैं गोस्वामी जी ने वाल्मीकि जी के मुंह से बात कहलाई कि श्रवण दो प्रभु, तो भगवान की जो कथा सरिता है तो भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तो निरंतर भगवान की कथा भरे हमारे अंतःकरण में और मन अघावे नहीं, हो ही न पूरे। तिनकह गृह रावर गृह रूरे, तिनकह मन रावर गृह रूरे, वो आपका घर बन जाए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, देखो तो अंतःकरण में औषधियों को डालने का भी प्राय क्या है। श्रवण से वो सारी औषधियाँ जाए, ये नहीं, घास फूस नहीं कह रहा हूँ, तो म्यूनिसपल्टी का कचरा उठाओ, नो, कृपा करो, जो औषधि है, जो सत्संग के विचार हैं, शास्त्र के विचार हैं, शास्त्रों की मान्यताएं हैं, शास्त्रों के सिद्धांत हैं, तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सरित सर नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिन कह ही राउर गृह रूरे, ये बोला। तो अंतःकरण विशुद्ध सत्व बनाया जाए, ये भगवान का बार बार आदेश है। उपनिषदों में, भगवद गीता में आप बार बार देखें, गीता का श्लोक बोलता हूँ, त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान भव। वो जो भव क्रिया है वो साथ में लगी हुई है, वहाँ भगवान क्या आदेश करते हैं, नित्य सत्त्वस्थः भव।
कभी विचार करना चाहिए साधक लोगों को। ऊपर की पंक्ति में भगवान बोलते हैं निस्त्रैगुण्यो भव, मैं यहाँ तो वो विवाद नहीं खड़ा करूँगा, और नीचे की पंक्ति में बोलते हैं नित्य सत्वस्थो भव। अब आप लोगों से नीचे उतर के पूछूंगा मैं कि इसका अभिप्राय क्या है। देखा आपने ऊपर क्या बोलते हैं निस्त्रैगुण्यो भव, नीचे बोलते हैं नित्य सत्वस्थो भव। यानी भाई मुझे अभी नित्य सत्वस्थ से काम है। क्षीर सागर में मंथन होना है ना, तो उसमें औषधियाँ डालें, सत्संग करें, फिर मंथन होए। मुदिता मथे विचार मथानी, ये जो मंदराचल पर्वत है ना, ये विचार सामर्थ्य है। ये बोला विचार की जो गंभीर सामर्थ्य है, सभी में होती नहीं, लेकिन किसी किसी साधक में धीरे 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 ये विकसित होती है। तो विचार की प्रक्रिया समझ में आने लगती है और विचार की सामर्थ्य भी जागती है, दोनों चीज़ें। एक तो विचार की प्रक्रिया ना आवे तो विचार नहीं कर सकता कोई, दूसरा तो विचार की सामर्थ्य ना हो तो विचार नहीं कर सकता। ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों चाहिए। तो अभी बच्चे लोगों को तत्वबोध पढ़ा रहे थे, तो उसमें भगवान शंकराचार्य जी ने जो पहला वादा किया है, प्रतिज्ञा की है, ग्रंथ की प्रतिज्ञा, तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः, तत्व विवेकम न वक्ष्यामः प्रकारम वक्ष्यामः। क्या बताने जा रहा हूँ, वो प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ, वो तुम्हें तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे कि तुम तत्व का विवेक कर सकते हो। ये उसमें शब्द पर ध्यान देना चाहिए, तत्व विवेक प्रकारम प्रकारम वक्ष्यामः, प्रक्रिया समझ लो फिर खुद विचार करते रहना। ये देखो अर्थशास्त्र पे चिंतन करना हो तो उसकी अलग प्रक्रिया है, विज्ञान पे चिंतन करना हो तो अलग प्रक्रिया है। सामर्थ्य होते हुए भी एक चीज़ का चिंतन मैं कर सकता हूँ, दूसरी चीज़ का नहीं करता, क्योंकि सामर्थ्य तो है लेकिन प्रक्रिया नहीं है। ये वेदांत के सिद्धांत पर थोड़ा चिंतन हो जाता है लेकिन मेरी बुद्धि अर्थशास्त्र पे चलती नहीं, तो अब नहीं चलती तो नहीं चलती, प्रक्रिया नहीं मालूम। तो ये मंदराचल पर्वत को तो लाना पड़ेगा, और लिखा कि दानव और दैत्य और देव लोग मिल के उठा के लाना चाहते हैं, वो बीच में ही गिर गए। भगवान ही उसको लेके आते हैं, प्रभु आश्रय से ही मंदराचल पर्वत तो क्षीर सागर में स्थापित हुआ। ये बोलते हैं मंथन कैसे हो, बोले वासुकी नाग से होगा, वो तो फन वाला सांप है, सोया हुआ हो तो भी थोड़ी तो गर्म सांस निकलती ही है, उससे तो जो मुंह की तरफ है उस तो झुलसता ही है। ये सांप क्या है, तो बोला गया प्रश्न संशय। विचार को उत्तेजना तभी मिलती है जब प्रश्न आते हैं, है ना, जब संशय हो तो संशय सर्प। गोस्वामी जी ने बात कही, समझाया कि देखो ऐसे होता है मंथन, जब कोई प्रश्न कर देना तब शुरू हो जाता है, एकदम मथानी चलनी शुरू हो जाती है। कोई प्रश्न न करे तो लगता है ठीक तो है, स्वतः जो है वो चिंतन होता नहीं। वासुकी नाग चाहिए लेकिन खतरा है उसमें, क्योंकि प्रश्न में थोड़ा फुफकार तो होती है, और मुंह की ओर अगर आप गए तो फिर हरिओम। प्रश्न में कहीं न कहीं थोड़ा विष का स्पर्श हो जाता है, एक
श्रद्धा बहुत तो पूंछ की ओर पकड़े रहना, फिर बच जाओगे। प्रश्न के पीछे समझने की इच्छा मानो उसका पुच्छ भाग है, और प्रश्न के पीछे अस्वीकृति का जो भाव है वो उधर है। तो अस्वीकृति का भाव लेकर के जब हम प्रश्न करते हैं तब तो मुश्किल होती है, उसमें नेगेटिविटी का एलिमेंट ज़्यादा होता है। पकड़ जाता है, ये वासुकी नाग है। अब मंथन शुरू हुआ। मंथन का पहला रत्न जो है ना नारायण, वो बताया गया विष। तो साधना में दीर्घ काल तक अगर सफलता न मिले तब जो परिणाम मन में आता है, मन में आता है, उस परिणाम को बोलते हैं अश्रद्धा। अब मानो हमने साधना शुरू करी, जैसा बताया गया था वैसा शुरू की, अब दीर्घ काल तक कोई बहुत लाभ हुआ नहीं, तो मन में फिर जरूर आता है कि क्या सही कहने सुनने के लिए है, या इज देयर समथिंग सब्सटेंशियल, कुछ होता भी है कि नहीं होता है। मैं तो रोज ही बैठता हूँ, रोज ही सुनता हूँ, वही बातें सुनता हूँ, कुछ खास बात बनी नहीं, ऐसे ही लगता है जस्ट एक मिथ्या महिमा मंडन है, फॉल्स ग्लोरिफिकेशन है। लो अब आया ये हलाहल विष। ये जो हमारे भीतर अश्रद्धा की वृत्ति का स्फुरण है वो साधक को ही नस लेता है, साधक छोड़ देता है, फिर साधन करना, ध्यान करना, सत्संग करना, बोले कुछ होता नहीं, फालतू में टाइम बेकार करना। अच्छा चलो मत करो टाइम बेकार, कहाँ जाना चाहते हो, बोले फिर वहीं जहाँ पहले थे। देखो तो यहाँ नहीं भी मिला तो लौट के जाएंगे किधर, जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ भी तो नहीं मिला था। वहाँ नहीं मिला था इसलिए तो इधर आए। अब ये तो बड़ी निराशा वाली स्थिति हुई, दह्यमान, पूरा लोक ही दह्यमान है। हम करते हैं क्या बोलते हो, लड़ाई में सब कुछ जायज है। तो जब ये लेके जाने लगे, नारद जी उधर से आ रहे थे, डांटा इंद्र को, अरे क्या कर रहे हो। बोले महाराज वंश नाश करना है। बोले तुम्हारे बुद्धि खराब हुई है, मालूम है गर्भ में परम भागवत बैठा हुआ है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुंच मुंच महाभाग सतीम, देखो कयाधु तो सती है, मुंच मुंच महाभाग, सातवें अध्याय का आठवां श्लोक है, सातवें अध्याय का आठवां श्लोक, मुंच मुंच महाभाग सतीम पर परिग्रहम, दूसरे की स्त्री उसको आप अपहरण करते हो, शर्म नहीं आती, लज्जा की बात है, धिक्कार है देवताओं। डांटा महाराज, छुड़ाया उनको, आश्रम में हमारी माता जी को ले आए, और वहाँ हिरण्यकश्यप तो तपस्या कर रहा है, इधर नारद जी की चूंकि आश्रम में रहीं, गर्भ में मैं था, वहाँ जो सत्संग होता था नारायण वो मैं सुनता था, और तब से ही नारायण परायण है प्रहलाद जी, वृत्ति उधर उधर जाती ही नहीं, तब से उनके मन में आता है त्यज वनम हरि आश्रयेत, यही वृत्ति ठीक लगती है, यही वृत्ति ठीक लगती है। इसलिए गुरुओं ने कहा कि नैसर्गिक की इयम मति ही, ये तो नैसर्गिक की जन्म से लेकर के ये वृत्ति आए हैं प्रहलाद जी। तो आज प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति का गुरु बता दिया, नारद जी महाराज हैं ये। जब हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हो गई, वरदान लेकर के जब वो आया, तब नारद जी ले गए उनकी धर्मपत्नी को, समर्पित किया, बड़ा प्रसन्न हुआ है। उसको क्या मालूम कि ये जो बालक है नारायण वो कन्वर्टेड वन। माने ये तो असुर से भागवत बना हुआ है।
प्रहलाद जी की जब खबर गई हिरण्यकश्यप के पास फिर से कि महाराज ये तो ज़्यादा हो रहा है, अभी तक तो खुद करता था, अब सारा गुरुकुल ही, हाँ ये तो सारा वृत्ति बदल देने वाला है, तब हिरण्यकश्यप ने फिर बुलवाया और बहुत डांटा, झिड़की दी। बोले कौन है भाई, किसके बल पर तुम ये सब करते हो, किम बलो त्यगाहा। ये आठवें अध्याय का सातवां श्लोक है। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा। अरे जिसके क्रोध से तीनों लोक कांपते हैं उसकी तुम अवमानना करते हो, मूढ़। किम बलाहा, किसके बल पे ये सब करते हो। जो उत्तर हनुमान जी ने वहां दिया था रावण की सभा में, प्रहलाद जी ने यहां दिया। न केवलम मे भवतश्च राजन। बोले राजन जो मेरा बल है वही आपका भी बल है। बल का स्रोत भिन्न भिन्न नहीं होता, आपको भी वहीं से मिला है तो मुझे भी वहीं से मिला है, स्रोत एक ही है जी। न केवलं मे भवतश्च राजन् सवै बलं बलिनां चापरेषां ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः स ईश्वरः। बोले आप नहीं हो ईश्वर, वही ईश्वर है, वही शासन करता है पूरी दुनिया पर। ये कभी कभी बीच में किसी किसी को थोड़ा सा बल मिल जाता है, उसको भ्रम हो जाता है, उसको लगता है ये बल मेरा है। नहीं, मेरा नहीं है, मिला हुआ है। हमारा होता तो रहता हमारे पास, कहाँ रहता है। बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, बड़े बड़े शासन में आए हुए लोग, वाजपेयी जी से पूछो, डॉक्टर साहब मना करेंगे कि हमारे ऑपरेशन की निंदा मत करो, लेकिन वो रोबोट की तरह चलते हैं। क्या करें। ये तो मिलता है थोड़े दिन के लिए, मेरा कहना तो अब एक भ्रम ही है, ये शरीर ही थोड़े दिन के लिए मिला, बल की क्या बात है। लेकिन इस विचार को मानने का कई बार अभिमानियों को मन नहीं करता। पद मिलता है इसलिए कि हम उसका कुछ सदुपयोग कर लें, बल मिलता है इसलिए कि हम उसका कुछ लाभ पहुंचा लें, कुछ उपयोग कर लें। विद्या मिलती है, मेरी विद्या है, ये सही नहीं है। किधर सही है। कई बार आयु के साथ ऐसी भी स्मृति होने लगती है, तुम्हारी होती तो तुम रखो, नहीं होती, क्या करें। तो महाराज जी की सभा में मैं था और स्वामी चिदान जी महाराज बैठे थे, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के अध्यक्ष। तो महाराज जी ने उनकी प्रशंसा की, निर्माण मोहा जित संग दोषा। बोले ये सब अर्थ स्वामी जी में हैं। मैं वहाँ बैठा था, शंकराचार्य जी बैठे थे, चिदान स्वामी सिकुड़ गए। जब उनकी बारी आई तो बोले कि महाराज जी ने जो कहा है वो ठीक ही कहा होगा। सोचो, महाराज जी ने जो चिदानंद के बारे में कहा, ऐसे ही बोलते हैं, नाम लेके बोलते हैं, तो महाराज जी ने जो चिदानंद के बारे में कहा वो ठीक ही कहा होगा। भाई कमरे में मैंने सूटकेस रखा है तो मैं कह ही सकता हूँ कि उस कमरे में सूटकेस है, लेकिन वो सूटकेस कमरे का नहीं है, जिसने रखा है उसी का है। तो अगर गुरुजनों ने चिदानंद में ये सब रखा होगा, देखो कैसे होगा, तो उनको हक है ये कहने का कि ये सब उसमें है, लेकिन वो चिदानंद का नहीं है, वो उन्हीं लोगों का है जिन्होंने रखा है। से क्या बात है, अय्या तृप्ति हो गए उस दिन। बोले अगर चिदानंद बोलता है कि मेरा है तो वो तो चोर है, ये शब्द उन्होंने सभा में कही।
है ना, विद्या मेरी है ये तो सही तो नहीं है, ये तुम रख भी नहीं पाते, मिली है ये सही है, रख भी नहीं पाते उपयोग कर लो ये स्वतंत्रता है। तो बोले बल का स्रोत एक ही है, आपका भी मेरा भी, आप बेकार में विमत्त हो रहे हो। बोले क्या बोलता है तू, मैं ईश्वर हूँ? बोले नहीं महाराज, आप ईश्वर नहीं हो, वही सबका ईश्वर है। बोले क्या, कहाँ है वो तुम्हारा ईश्वर? यदि अस्ति, अब ये देखो प्रत्यक्षवादी लोगों का तर्क होता है, यदि है तो खंभे किम न दृश्यते, ये लिखता है, क्वासव यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। तुम कहते हो है, किधर है, क्या बोला, सब जगह है, क्वासव तो स्तंभे किम न दृश्यते, 13वां श्लोक है, स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई देता है, और इतना झुंझलाहट है उसको कि वो खंभे पर एक घूंसा मारता है महाराज जोर से। भगवान को आज मौज आई, बोले इसको अपनी सर्वव्यापकता दिखाता हूँ, जरा केवल सिद्धांत से नहीं, जरा दिखा देता हूँ। सत्यम विधातुम, 18वां श्लोक, अपने भक्त की वाणी को सच करने के लिए, ये उनको कोई नहीं है अपना दिखाना और छिपाना, भक्त ने बोल दिया वो वाणी सच होनी चाहिए। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं। बोलिए नृसिंह भगवान की, बोलिए नृसिंह भगवान की, बोलिए नृसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम भगवान भक्त की वाणी को समर्थन देते हैं। भक्त बल को कभी मेरा नहीं मानता, लेकिन दुनिया के सामने उसका बल जाहिर होता रहता है, वो बोल दे तो हो जाता है, ऐसा देखा गया। कौन पूरा करता है, खुद नहीं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, भृत्य का भाषित, भृत्य ने कह दिया ऐसा है, बस हुआ। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, पकड़ा उसको महाराज, उसको पहले लथाड़ा पथाड़ा, काफ़ी प्रहलाद को उसने किया था, तो उन्होंने कहा लाओ जरा स्वाद लो तुम कैसा लगता है। और धीरे धीरे वो वीर वृत्ति वाला है, देखो डरता नहीं, वो पलायन नहीं करता, लड़ता है। उसको अंततः घसीटते हुए भगवान ले गए देहरी पर, गोद में, बड़ा धन्य है महाराज, गोद में तो कई लोग नहीं मरे होंगे। सांझ का समय था, अधिक मास में, 12 मास में नहीं, अधिक मास चल रहा था, पुरुषोत्तम मास। उसने कहा था 12 महीने में न मरूं, बहुत ही विचित्र था भाई। तो अधिक मास में अपने गोद में लेकर के नाखून से जब उसका कलेजा फाड़ा है उन्होंने, तो पहले पूछ लिया कि दिन है, बोले नहीं है, रात है, बोले नहीं, घर के बाहर हो, बोले नहीं, भीतर हो, सारी चीज़ स्वीकार करवा के और फिर फाड़ दिया उसको महाराज। सिंह रूप है भगवान वहाँ पर, उसकी आंतें बैठे बार बार सिंहनाद करते हैं, आवेश है भगवान को उस समय। तो देवता लोग ब्रह्मा जी स्तुति करने आए, महाराज दूर से ही करते हैं, लिखा बिल्कुल नाति दूर चराहा पृथक, सब दूर दूर से काफ़ी डिस्टेंस रख करके शुरू करते हैं महाराज।
अब वो बार बार हुंकार करते हैं, बार बार सिंहनाद करते हैं, आवेश तो शांत नहीं होता भगवान का। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी को बुलाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी को बुलाया गया कि आपके पतिदेव एक विशिष्ट रूप में आए हैं, शायद कभी आपको ये दर्शन न मिले, तो आप जाओ। लक्ष्मी जी को बुलाया गया है। लक्ष्मी जी जब आई पास में तो देखा ये तो महाराज बिल्कुल ही नवा अध्याय है, ये उसका दूसरा श्लोक, साक्षात श्री ही प्रेषिता देवई ही। लक्ष्मी जी को देवताओं ने भेजा, माता जी जाओ जरा उनको ठंडा करो। लक्ष्मी ने देखा ये मेरे बस की बात दिखती नहीं है, बोले इनको हम जानते नहीं, पहचानती नहीं। ये कभी देखा नहीं हमने इनको। बहुत बढ़िया उपाय है महाराज, कभी पुरुष लोगों में नरसिंहावतार हो जाए। न मृगम न मानुषम। न मनुष्य दिखाई देते हैं, न सिंह दिखाई देते हैं, पशु दिखाई देते हैं। जब ऐसा लगे ना तो लक्ष्मी जी को फॉलो करना चाहिए। बोले इनको हम पहचानते नहीं। लक्ष्मी जी गई नहीं महाराज। शिव जी ने कहा भाई ये तो प्रह्लाद के भगवान हैं और किसी के हैं नहीं, इसलिए उन्हीं को भेजना चाहिए तभी शांत होंगे। सो प्रह्लाद जी भेजे गए। प्रह्लाद जी को उसी गोद में बैठाया भगवान ने, लेकिन गोद फिर फर्क हो गई। उसी हाथ से उनके सिर को छुआ, नख वाला खून लगा हुआ, लेकिन उसमें फिर स्नेह है, वात्सल्य है। और बोलते हैं कि बड़ी देर हुई आने में, तुमको बड़ा कष्ट हुआ। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। तो कृपा से परिप्लुत होके, ओतप्रोत होकर के भगवान ने उनके सिर पर हाथ फेरा, बड़ा समझाया है उनको। बोले प्रह्लाद ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं दे सकता, ऐसा कुछ है नहीं, ब्रह्मा जी की सीमा होगी मेरी नहीं है। क्या चाहिए बोलो, वर मांगो। प्रह्लाद जी कहते हैं प्रभु मैं ढूंढ के देखता हूँ अपने हृदय में, कोई इच्छा दिखाई नहीं देती। मैंने बहुत अनुसंधान किया, कुछ दिखे कोई दिखता नहीं कोई इच्छा, लेकिन आप बोलते हो मांगो, इसका मतलब तो कुछ होगा जरूर जो मुझे नहीं दिखती। आप भगवान होके जब बोलते हो मांगो तो आपको शायद दिखती होगी। मैं मांगता हूँ कि अगर कुछ ऐसी दबी छुपी कुछ हो तो वो नष्ट हो जाए। ये वर मांगा प्रह्लाद जी ने। न रहे वो भी न रहे जो मुझको नहीं दिखती आपको दिखती है, वो इच्छा भी प्ररोहित न हो। ये प्रह्लाद जी का वर है। ये 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में प्रभु ने ये मांग करी। देखिए कामानाम हृदि असमरोहम भवता। अगर कुछ ऐसा है, 10वें अध्याय का 7वां श्लोक, यदि राशिष मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ। अगर ऐसा है ही तो वो कामना का समरोह प्ररोह अंकुरण हमारे भीतर न होवे, ये मैं मांगता हूँ। वृणे वरम, ये वर मांगता हूँ। अब सोचो भगवान को भी कोई निरुत्तर करने वाला होता है। कितना वात्सल्य हुआ होगा कि आपके अलावा कुछ मांगे तो व्यभिचार हो गया। ये तो वृत्ति में व्यभिचार हो गया। अन्याश्रयाणाम त्याग, मन में तो कोई और आश्रय जगता नहीं है, बस यही रहने दो। प्रह्लाद जी का राज्याभिषेक हुआ है 7वें स्कंद में। एक चीज मांगी प्रह्लाद जी ने, बोले प्रभु कुछ मांगता हूँ। बोले धन्यवाद, कुछ तो मांग लो। बोले मेरे पिताजी शुद्ध हो जाएं, आखिर मैं उनका पुत्र हूँ। पुत्र शब्द का अर्थ होता है तुम नाम नरकात
त्रायते यह, पिता को जो इस नरक से पार करावे उसका नाम नरपुत्र है। तो आप कृपा करके, हाँ ये 17वां श्लोक है 10वें अध्याय का ही, पूतस्ते पांग संदृष्टः तदा कृपण वत्सलः तस्मात् पिता में पूयेत। बोले मेरे पिता शुद्ध हो जाए, कृपा करो। बहुत गड़बड़ किया उन्होंने जीवन में, लेकिन भगवान ने कहा जिसका तुम्हारे जैसा पुत्र हो उसको पवित्र करने का मैं वर न भी दूँ ना तो वो पवित्र ही है, चिंता न करो। यत साधोस्य गृहे जातः भवान वही कुल पावन। आप तो स्वयं भवान शब्द बोलते हैं प्रह्लाद जी को, बच्चा है प्रह्लाद, भवान माने आप, तुम नहीं। बोले प्रह्लाद आप जैसा कोई जिस कुल में पैदा हो वो अभी अपवित्र है, आप समझते हो कुल पावन है, आप तो कुलों को पवित्र करने वाले हो। मेरे वर की बहुत ज़रूरत नहीं है। प्रह्लाद जी का ऐसा दिव्य मनोहर चरित्र है। नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर महाराज के बाकी प्रश्नों का बहुत उत्तर दिया, मानव धर्म क्या है, गृहस्थ धर्म क्या है, संन्यास धर्म क्या है, और इन्हीं सब प्रश्नों की व्याख्या में ये 7वां अध्याय तो पूरा होता है, 7वां स्कंद पूरा होता है। हम 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 8वां स्कंद तो इसी वंश की एक दिव्य कथा है। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे शास्त्रों में इतिहासों में बहुत दानी हुए, बड़े बड़े दानी हुए, बलि जैसा कोई दानी नहीं हुआ। बलि की कथा है 8वें स्कंद में मुख्य रूप से। उसके पहले गजग्राह की कथा है, आइए देखते हैं उसको। स्वायंभुवस्येह गुरोवंशः अयं विस्तराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्वनः। बोले प्रभु, परीक्षित महाराज पूछते हैं, आपने स्वयंभू मनु के वंश का और उनके कार्यकाल का विस्तार से वर्णन किया, लेकिन आपने कहा था कि एक कल्प में 14 मनु होते हैं, तो ये बाकी मनुओं के बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई। मेरी इच्छा है कि जानूं, क्या बोलते हैं, मनून अन्यान वदस्वना, जो दूसरे मनु लोग हैं तो उनके बारे में कुछ तो बोलें। हमारे सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, सुनो, दूसरे मनु हुए स्वारोचिश। पहले अध्याय में कुछ मनुओं का नाम उल्लेख हुआ है, भागवत जी में 14 मनु का तो उल्लेख हुआ है। दूसरे मनु हुए स्वारोचिश, ये अब मैं श्लोक क्या बोलूँ, 19वां श्लोक है स्वारोचिश। तीसरे मनु थे उत्तम, उनका नाम था उत्तम। चौथे मनु का नाम है तामस। तामस, ये सारे मनुओं का कार्यकाल बताया है, उसमें जो प्रमुख घटना घटी वो भी बताया है। सो तामस मनु जो चौथे मनु हैं, उन्हीं के कार्यकाल में भगवान का एक अवतार हुआ जिसका नाम पड़ा हरि। ये हरि रीति आहृतो ये न, 30वां श्लोक है, हरि रीति आहृतो ये न गजेंद्रो मोचितो ग्रहात। ये चौथे मनु हैं तामस, तो उन्हीं के कार्यकाल में ग्राह से गजेंद्र को मुक्त करने के लिए भगवान हरि रूप में आए। उनका नाम इसीलिए क्योंकि वो हरण किया उन्होंने उसके संताप का, इसलिए उनका नाम पड़ा हरि। तो इच्छा हो गई परीक्षित महाराज को, बोले महाराज जरा इसकी चर्चा होवे, गजेंद्र की मुक्ति कैसे हुई, भगवान को अवतार लेना पड़ा, ये कैसे हुआ। बोले एक पर्वत पर तो आसीत गिरिविरो गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्वता, त्रिकूट नाम का एक सुंदर श्रेष्ठ पर्वत है, उसके ऊपर
एक गजराज रहता है, बहुत सारे उसके परिवार हैं, उसके बालक, उसके भाई, उसकी हथिनियाँ और ढेर सारा परिवार है, और उसमें वो अपना विचरण करता है। इतना घना वन है कि उनको कोई कमी नहीं। सरोवर है बहुत बड़ा, तो वो बस विलास करता है, मस्त रहता है, अपने आगे किसी को गिनता नहीं, मतवाला बिल्कुल। एक बार वो पानी पीने गया है तो सारा परिवार पानी में है, विलास करता है, एक दूसरे से जल क्रीड़ा करते हैं लोग। इस बीच में ग्राह ने उसको पकड़ लिया। पहले तो सारे ने उसकी मदद करनी चाही, लेकिन जब वो अंदर जाने लगा नारायण, तो ये सारे छोड़ के लोग बाहर आ गए और वहीं खड़े होके देखने लगे। ये होता है, वो खड़े होके देखने लगे, अश्रु गिराते हैं लेकिन तो मदद तो नहीं करते। ऐसा संघर्ष चलता रहा, लेकिन वो पानी का जीव पानी में बलवान है। हाथी तो थल का जीव है, तो वहाँ तो वो बलवान होगा। तो धीरे 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 ग्राह जब उसको भीतर ले जाने लगा, जब उसके एकदम डूबने की बारी आई, वो पद लिखा लोगों ने, तो नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु माने सरोवर, सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछारे। तो चरण पकड़ के उसने खींचना शुरू किया। कहते हैं चार प्रहर युद्ध भयो, ले गए मझधारे। भागवत जी में कई वर्ष लिखे, लेकिन बहरहाल पद अच्छा है। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लाग्यो, प्रभु को पुकारो पुकारे। तो शंख चक्र गदा पद्म, तो गरुण पर पधारे, ऐसे करके कहते। इस कथा का अध्यात्म रूप ऐसा बताते हैं हमारे आचार्य लोग कि ये जो मनुष्य है ना, तो ये तो नीर पीने के लिए आया इस दुनिया में, भोक्ता भाव है इसीलिए तो आया, तो विलास करता रहता है मदमस्त। लेकिन जब ग्राह पकड़ लेता है ना बुढ़ापा नारायण, तो कुछ दिनों तक तो लोग मदद करते हैं सारे लोग, फिर इसके बाद दूर खड़े होकर के देखते हैं कि अब लगता है कि हाँ एक बार देख लो बस, मिलाओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो चार पहर युद्ध हुए, चौथा पहर आ गया, तो गज ने तो बुला लिया भगवान को, अब हम लोग तब भी नहीं बुलाते ये तो समस्या है। गजेंद्र मोक्ष का ऐसा भाव बताते हैं लोग। तो बहरहाल यहाँ जब गजेंद्र थक गया, अपना बल हार गया, उसका दीनत्व भावना आई, तो उसने दीर्घ स्तुति की है भगवान की। यहाँ लिखा है गजेंद्र क्या है, देहाभिमानी है। क्या बोलते हैं, निकृष्यमाणः निकृष्यमाणस्य जले वसीदतः विपर्ययो भूत सकलं जलौकसः इत्थं गजेन्द्रः सयदाप संकटं प्राणस्य देही। गजेंद्र का नाम क्या रखा, 31वां श्लोक है। इत्थं गजेंद्रस्य गजेंद्रः सयदाप संकटं, दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। प्राणस्य देही विवशः, ये गजेंद्र क्या है, बोले देही है, देही माने देहाभिमानी है, विवश हो गया। और तब उसने भगवान की शरण ग्रहण की। एक कहते हैं सरोवर में पुष्प था, उसको सूंड से उठाया भगवान को अर्पित करने के लिए, तो भगवान तो बस प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र लिख डाला, रक्षाम अपेक्षाम अपेक्षते, एक सूत्र है। भगवान सबके लिए सम है, लेकिन आपकी मदद के लिए उनको अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है, कि आप कहो कि मेरी रक्षा करो,
बोले ऐसी क्यों अपेक्षा करते हैं? बोले तो सभी लोगों के लिए समान है, और कल आपकी मदद करें तो उनको कुछ अपने को बचाने के लिए तर्क चाहिए ना। कोई उठ के पूछे उसकी मदद क्यों की, तो वो कह सकते हैं कि चूंकि उसने बुलाया इसलिए मदद की, तुमने नहीं बुलाया तो नहीं किया। ये सूत्र रक्षाम अपेक्षाम अपेक्षते। बोले गजेंद्र ने बुलाया है, भगवान पधारे, ग्राह का वध कर दिया। गजेंद्र ने जो स्तुति की है यहाँ पर दीर्घ स्तुति है, वो बोलते हैं कि जो स्तुति का पाठ करता है गजेंद्र मोक्ष का, उसको दुःस्वप्न कभी आता नहीं। परीक्षित महाराज ने पूछा कि ये गज में इस तरह की भक्ति कहाँ से आई? आफ्टर ऑल नथिंग इज एक्सीडेंटल, अकस्मात तो कुछ होता नहीं। संस्कृत में शब्द क्या है? अकस्मात। अकस्मात माने न कस्मात विद्यते, हाँ, कस्मात माने कारण, कारणात। हिंदी में बोलेंगे अधिक से अधिक अकारण कुछ नहीं होता, तो अकस्मात कुछ नहीं होता। बोले इसमें गज में ऐसा विलासी है, ऐसा मदोन्मत्त है, ऐसा बलाभिमानी है, तो फिर एक पांड्यवंशी राजा था द्रविड़ देश का, वहाँ पर इसको हुई भक्ति का रस मिल गया, और इतना प्रगाढ़ रस मिला कि इसने घर छोड़ दिया राज्य की व्यवस्था किए बिना। देखो भागवत जी का एक सिद्धांत ये भी आता है बाहर, राज्य की व्यवस्था किए बिना, कर्तव्य इसके शेष थे, उस समय ये चला आया घर के बाहर, वन में कहीं तपस्या कर रहा था, भजन कर रहा था। अगस्त ऋषि उधर से गुजरे, पहचान लिया उन्होंने, बोले ये तो इंद्रद्युम्न है। उसने प्रणाम किया के बोले भाई ये भक्ति करना अच्छी बात है, विरक्ति अच्छी बात है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। घाव पका न हो और पट्टी खोल दो तो, बोले एक दिन खोलना ही था तो इसलिए आज ही खोल दिया, घाव बिगड़ जाएगा। प्रवृत्ति को निवृत्ति में बदलने में भी एक तरीका होता है, एक वांछित समय लगता है। वन मस्ट नो हाउ टू बाइंड अप द थिंग्स, यू नो, पता चला एक दिन मूड में आ गया और उसी दिन हमने समेटना शुरू किया, कुछ होगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगी चीज़ें। और वह ऐसी हो सकती हैं चीज़ें कि आपको लौट के ज़्यादा दिनों के लिए जाना पड़े, क्योंकि आप छोड़ के आए ऐसी चीज़ें वो और बिगड़ गई। सो इंद्रद्युम्न को अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी मति जो है ना वो सही नहीं है, तामसिक निर्णय लिया है तुमने, गज की तरह हो, मोटी बुद्धि वाले हाथी हो जाओ बस। अब चूंकि उसने फिर से देखना, सिद्धांत वही है कि भक्ति निष्फल जाती नहीं, अगर गलती हुई है तो उसका दंड मिलेगा, वो भी ये पक्का है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि एवरीथिंग इज गॉन। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता ये। सो ये महाराज हाथी तो हो गए, हाथी हुए तो गजराज हुए, कमाई थी, गजराज हुए, वहाँ विलास किया, और आखिर में निमित्त बना जब, तो वो जो पहले की वृत्ति थी भक्ति वृत्ति, वो एकदम जागृत हो गई, और इस तरह से गजेंद्र का मोक्ष हुआ। ये वर्णन है नारायण। तो इसमें एक सिद्धांत हम लोगों को पकड़ लेना चाहिए कि प्रवृत्ति से निवृत्ति का तरीका ठीक होना चाहिए। हमारे सदग्रंथ, हमारे शास्त्र तो इस बात पर सहमत नहीं हैं कि आवेश में कोई कुछ करे। नारायण बोलते हैं पांचवें मनु का नाम था रैवत। ये कथा आई थी तामस, चौथे मनु तामस के कार्यकाल की। तो पांचवें मनु का नाम है रैवत, और छठे मनु
का नाम है चाक्षुष। चाक्षुष जो मनु हुए, तो भगवान सुखदेव जी बोलते हैं कि उनके कार्यकाल में ना परीक्षित भगवान ने कच्छप अवतार लिया। बोले महाराज ये भगवान ने कच्छप अवतार लिया, जरा ये वाली कथा बताओ मुझको, ये मुझे सुनना है। ये कैसे हुआ? बोले ये ऐसे हुआ कि प्रह्लाद जी के पोते हुए ना बलि महाराज, विरोचन उनके पुत्र हुए, उसके आगे बलि हुए और वो बड़े यशस्वी प्रबल प्रतापी सम्राट हुए। इस बीच में इंद्र से भी बीच बीच में बड़ी भयानक गलतियां होती रहती हैं। हुआ ये था कि दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु से मिल के आ रहे थे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनको अपनी माला दे दी थी। कई बार बड़े लोग अपनी माला दे देते हैं। अब दुर्वासा ऋषि वो माला लेकर के बड़े आनंद मंगल से चले आ रहे थे। उस समय इंद्र ऐरावत पर चला रहा था, प्रणाम किया उसने, लेकिन उसमें अभिमान साभिमान प्रणाम किया, अभिमान सही ठीक किया। बट दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर उसको वो माला दे दी, भाई तुम देवताओं के राजा हो, ये प्रसाद रखो। उसको बोला क्या है यार, फूल कहाँ रखा जाए अभी। तो उसने वो माला दुर्वासा ऋषि के सामने ही हाथी को पहना दी, उसके सिर पर लपेट दी। हाथी ने सिर झटका, वो नीचे आ गई, उसको पैरों से कुचल दिया। ऐसा हो जाता है कई बार। तो बड़े आदमी कोई दें तो उसको संभालना उस बड़े आदमी का सम्मान है, और उसको फेंक देना उस बड़े आदमी का अपमान है। वस्तु में कोई खास बात नहीं, लेकिन उसके जरिए आपने उसका सम्मान किया या फिर उसका अपमान किया, तो ये तो ऋषि का भी अपमान हो गया, भगवान का भी अपमान हो गया। कई बार अब गुरुजन होते हैं, बोलते हैं ये ले लो, अब बोले नहीं हमें ज़रूरत नहीं है। आप इतने बड़े ना बनो ना फिर उस समय। आप ले लो, सम्मान के साथ कहीं रखो, फिर जैसा होगा देख लें। एक शिष्टाचार होता है। अब इन्होंने ऐसा कर दिया, दुर्वासा ऋषि महाराज बिल्कुल नाराज हो गए, बोले जाओ श्री भ्रष्ट हो जाओ, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। और महाराज वो श्री भ्रष्ट हो गया, तो बलि ने आक्रमण किया और इनको ख़त्म कर दिया बिल्कुल। ये महाराज गिरी कंदरों में जाके बैठे। बहुत दिनों तक जब इनके पास कुछ नहीं हुआ, बड़े दुखी हुए, भगवान के पास गए, बृहस्पति भगवान के पास पहले गए। गुरुदेव ने कहा देखो इस समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुमने खुद कमाई करी है, आनंद मंगल से रहो, ये कमाई तुम्हारी है। मैंने कहा था कि प्रसाद को ऐसे फेंको, अब तो तुम प्रतीक्षा करो। भगवान के पास जब ये लोग गए, भगवान ने कहा देखो तुम्हारा समय खराब है, इंद्र का भी समय खराब होता है महाराज। बोले तुम्हारा समय खराब है, और इस समय जो तुम उद्यम करोगे उसका कुछ ज़्यादा बनने बिगड़ने वाला है नहीं। क्या करूं महाराज? बोले तुम ऐसा करो, जाओ दैत्यों के पास और उनसे संधि कर लो, इसमें तुम्हारी भलाई है, संधिर विधियता। बोले महाराज इतनी बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, फिर संधि हो सकती है? बोले हो सकती है, कोशिश करो। अब संधि में चूंकि तुम इस लायक नहीं हो कि अपनी शर्तें रख सको, तो वो जो कहे वो मान लेना तुम, बस तब जा कर के संधि होगी। लेकिन एक बार जाओ तुम, संधिर विधीयताम और यूयम तद अनुमोदध्वम यदिच्छन्ति असुराहा सुराहा। ये छठे अध्याय का 24वां श्लोक है। बोले जो जो कहा जाए वो मान लेना। बोले महाराज संधि करके करना क्या है? बोले प्रस्ताव करो कि क्षीर सागर का मंथन करना है, उसमें बड़े बड़े रत्न हैं, उसमें अमृत भी है, अकेले मंथन हो नहीं सकता, दैवी आसुरी दोनों शक्तियां मिलें तब मंथन होगा। तो आज जो है हमें दोनों बलों की, दैत्य बल और आदित्य बल,
दोनों बलों की जरूरत है, इसलिए संधि करना है। कोई बड़े प्रयोजन के लिए दोनों शक्तियों का समवेतीकरण होना जरूरी है। अब भगवान ने कहा था तो ये गए लोग, महाराज लोग वहाँ, जैसे ही गए दैत्य लोक में तो दैत्य लोग इनको मारने दौड़े कि ये चले आ रहे हैं सब। बलि ने इनको रोका, नहीं नहीं हमारे घर आ रहे हैं, कोई कारण होगा, आने दो आने दो। जब ये लोग आ गए वहाँ पर, तब प्रस्ताव किया इंद्र ने, बलि ने धर्मपूर्वक शर्तें तय करी, आधा आधा रखो, जो भी प्राप्ति होगी हम बंटवारा करेंगे विधि पूर्वक, कोई अन्याय आपके साथ नहीं होगा। सारी देश भर की, दुनिया भर की वनस्पतियाँ पहले क्षीर सागर में डाली जाएं, औषधि गुण सारा डाला जाए। वो हुआ, बोले अब मथानी लाई जाए। सो मंदराचल पर्वत उखाड़ करके, भगवान की प्रेरणा थी, जब ये दोनों दैत्य और दानव दोनों उठा के ला रहे हैं, महाराज वो इनसे संभला नहीं, वो गिर पड़ा, उसमें कितने तो ये मर गए। भगवान उसी समय अवतरित हुए, बोले भाई तुमसे तो होता नहीं। भगवान ने अपने हाथ से उठाया, गरुण पे उसको चढ़ाया, ले गए समुद्र में डाला। भगवान ने कहा अब चाहिए रस्सी, इतनी बड़ी रस्सी चाहिए, वासुकी नाग को मनाओ, उनसे प्रार्थना की दोनों लोगों ने जाके कि हम जन्मजात दुश्मन मान गए, महाराज आप भी मान जाओ। ईरान से गैस पाइप लानी है। तो ईरान महाराज मान जाओ। देखो संधिर विधि यथा, कोई बड़े काम के लिए संधि तो करनी पड़ती है, चाहे दुश्मनी जितनी हो। मुझे वाजपेयी जी का याद आता है, जब उन्होंने बार बार इनिशिएटिव लिया तो लोगों ने कहा कि क्या करते हो, उनकी पार्टी वालों ने कहा बार बार धोखा देते हैं, बार बार फिर अब तो संसद में कहा था उन्होंने कि माना कि अंधेरा है, लेकिन फिर दिया जलाने से मना क्यों करते हो। उसी का परिणाम है कि बातचीत चलती है, नहीं तो स्टेट्समैनशिप तो तभी चाहिए, उसके लिए दम चाहिए। तो हमारे यहाँ समुद्र मंथन ऐसे ही हुआ। वासुकी नाग के पास गए लोग, वो मान गया, जाके लपेटा है। और अब मंथन शुरू होने के पहले भगवान ने कहा देखो आप लोग जाके मुंह की तरफ पकड़ना। तो दैत्यों का स्वभाव मुझे मालूम है कि वो बिल्कुल आएंगे तुमसे झगड़ा करने, तब मान जाना आप। तो मुंह की ओर पकड़ा, देवताओं ने मुंह की ओर पकड़ा, दैत्यों ने आपस में कहा ये क्या समस्या है, हम इनसे छोटे, ये हमको समझते क्या है। न गृण्यमो न गृण्यमो वयम पुच्छम, ये पूछ हम नहीं पकड़ेंगे, ये तो पिछड़ा अंग है, अमंगलम। बोले पूंछ तो अमंगल है। तीसरा, सातवें अध्याय का तीसरा श्लोक, न गृह्णीमो वयम पुच्छम अहे हे अंगम अमंगलम, ये तो अमंगल है। आठवें सातवें अध्याय का, राइट, आठवां अध्याय एक्चुअली होना चाहिए, सातवां ना, हाँ ऊपर अष्टम स्कंद, हाँ तो सातवें में आया। बोले हम तो पूंछ नहीं पकड़ेंगे। बोले पकड़ो महाराज, अब आप लोग प्रबल हो। ये चले गए महाराज पूंछ की तरफ, वो आए अपना सिर। जब मंथन शुरू हुआ महाराज, वो फुंफकारे, अग्नि ज्वाला निकले उसके, और ये सारे के सारे काले हो गए, झुलस गया इनका शरीर, मंगलम। तो भगवान ने देखो पदे पदे इनकी मदद करी। जब मंदराचल पर्वत का मंथन शुरू हुआ तो डूबने लगा, तब भगवान ने कच्छपा अवतार लिया है, लिखा कृत्वा विलोक्य, आठवां श्लोक है, विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितथाभिसंधिः
कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। बोलिए कच्छप भगवान की, बोलिए कच्छप भगवान की। ये कच्छप भगवान संयम के प्रतीक माने जाते हैं। कूर्मोंगानीव सर्वसः यदा संघर्ते, इसीलिए हमारे मंदिरों में देहली पर कच्छप भगवान बिठाए जाते हैं कि प्रभु के मंदिर में प्रवेश के पहले जीवन में संयम सिद्ध होना चाहिए। ये तो मंथन जो है ना, भले ही ज्ञान का मंदराचल हो, लेकिन मंथन मनन जो है वो संयम के आधार पर ही होता है। असंयमी व्यक्ति तो ना मनन नहीं कर पाता, मंथन नहीं कर पाता। भगवान ने 15वां अध्याय पढ़ते रहते हैं, उसमें कहा यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मनि अवस्थितम्। लेकिन अगला वाक्य देखना, यतंतोपि, यतंत नहीं यतंतोपि, यत्न करने पर भी, यतंतोपि अकृतात्मान न एनम पश्यन्ति अचेतस। ये यतंतोपि न पश्यन्ति, ऊपर कहा यतंतः पश्यन्ति, बट विद दिस अमेंडमेंट। सो कच्छप भगवान के रूप में भगवान ही अवतरित हुए, हमारे जीवन में अवतरित हों तब मंथन होवे। सो कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतम् महत्। भगवान कच्छपावतार लेते हैं, मंदराचल को धारण किया, उज्जहार, मंदराचल को ऊपर रखा। जब मंथन शुरू हुआ तो कच्छप भगवान की पीठ पर वो मंदराचल घूमता है, तो भगवान की उस दिन खुजली पीठ में मिट गई। ये लिखा, यही लिखा कि भगवान को लगा कि मेरी जो खुजली थी वो आज मिटी है, पीठ पर हाथ जाते ही नहीं, महाराज क्या करा जाए। यज्ञोपवीत तो संध्या के लिए बनाया गया, वेद अध्ययन के लिए बनाया गया, लेकिन लोग उससे भाई बहुत दुरुपयोग करते हैं, चाबी बांधते हैं उसमें, इट्स वेरी बैड यू नो। और फिर अगर पीठ में खुजली हो तो उससे भी मिस ही हो जाए, हाथी से हल जुतवाने जैसी बात है। यहाँ लिखा 10वें श्लोक में, मैंने अंग कंडूक यनप मप प्रमेय। उनको ऐसा लगा जैसे खुजली हो रही थी पीठ में, तो ये मंदराचल पर्वत से वो मिट गई। भगवान ने ऊपर से मंदराचल पर्वत को दबाया, नीचे से कच्छप बन करके ऊपर रखा, दोनों तरफ भगवान। तो मंदराचल में भार बन के भगवान प्रविष्ट हुए। ये देखो, वासुकी नाग में निद्रा बन करके प्रविष्ट हुए, क्योंकि वो अगर पूर्ण चैतन्य हो जाए ना नारायणम, तो वो बिल्कुल बेहोश सा था, और इसलिए लोग ये पकड़ पकड़ के मंथन कर रहे थे। भागवत जी में लिखा है कि प्रभु ने वो पूरा मंथन करवाया, सुझाव उन्होंने दिया, संधि इन्होंने करवाई, मंदराचल पर्वत वो ले आए, वासुकी नाग को उन्होंने मनवाया, निद्रा उसमें बन के रहे, नीचे से संभाला, ऊपर से दबाया। बोले सब वही करते हैं, समझने वाली बात ये है, लेकिन तब करते हैं जब आप उनके इशारे पर दौड़ो, है ना। बोले महाराज, जब आप ही को मंथन करना था तो हमें क्यों दौड़ाते हो, वो नहीं चलेगा। आप इच्छा जाहिर करो, अपनी तत्परता दिखाओ, तो करण करावन हार प्रभु है, वो करने कराने वाले। तो ये पूरा मंथन ही आप प्रसंग सावधानी से पढ़ें, सब कुछ उन्हीं का किया धरा है, स्वयं उपस्थित रह करके सब बन करके तो ये मंथन संपन्न किया। महाराज पहला रत्न निकला, रत्न हला हलम नारायण
हलाहल विष प्रकट हुआ, जलने लगी सारी दुनिया। अरक्षमाणा, देखा कोई हमारी रक्षा अब यहाँ नहीं करेगा इस विष से। तब सब लोग शरणम सदा शिवम, शिवजी महाराज की शरण में गए लोग। बोले प्रभो, वो तो वहाँ थे नहीं, इस पूरे झंझट से उनका कोई मतलब नहीं। बोले भाई ये सब ठीक है, आप लोग करो। वो कैलाश पर बैठे हैं, ये लोग गए शरण में। महाराज क्या, महाराज विष पियो। देखो बोला रक्षस्व माम पाहि माम। जब सब लोग जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं, शिव जी ने पार्वती जी की ओर देखा। बोले आपको क्या कहना है? देखो महाराज, सलाह लेके चलना चाहिए। हाँ, ये भगवान भी ऐसा करते हैं। 36वां श्लोक है 7वें अध्याय का, बोलते हैं सर्वभूत सुहृत। भगवान शिव सर्वभूत सुहृत देव इदमाह सतीम प्रियाम, अपनी प्रिया सती से पूछते हैं क्या करना चाहिए। सती जी ने कहा प्रभु अगर आप नहीं करोगे तो कोई बचने वाला नहीं है। लिखा है यच्चकार, हाँ, प्रभावक ज्ञानवन प्रभावक ज्ञान अन्व मोदत। 41वां श्लोक में आया, माता जी को भगवान का प्रभाव मालूम है, उन्होंने तुरंत अनुमोदन किया, भगवान ने वो विषपान किया। ये बड़ी ही करुणामयी लीला है भगवान शंकर की। निर्द्वंद होते हुए भी जब सबके ऊपर आती है तो करी देते हैं। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम, गले में रखा उस विष को और उनका वो आभूषण बन गया नील नील वर्ण भगवान भोलेनाथ का। ये लोग चले आए, मंथन आरंभ हुआ, रत्न निकलने शुरू हुए। तो उच्चैःस्रवा नाम का घोड़ा निकलता है। कामधेनु प्रकट हुई, ऐरावत प्रकट हुआ, कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, भगवान के गले में गई वो। कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, अप्सराएं प्रकट हुई, लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, सब लोग उनको चाहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जो वर्ण किया वो केवल भगवान को वर्ण किया। भगवान तो वहाँ थे उपस्थित, तो वहाँ पर लक्ष्मी माता ने तो भगवान विष्णु का वर्ण किया। फिर वारुणी प्रकट होती है, मदिरा, दैत्य लोगों को बहुत प्रिय है। उन्होंने कहा ये तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। भगवान ने कहा एवं अस्तु। इनको दे दो भाई, वो काम आएगी आगे। फिर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए और फिर उन्हीं के साथ अमृत प्रकट हुआ। अब महाराज संधि टूट गई, बस इस बिंदु तक संधि थी। जैसे ही अमृत निकला, दैत्यों ने एकदम लपक लिया महाराज, उसको पकड़ लिया, छीन के रख लिया। देवता लोगों ने कहा हमारा तय हुआ था। बोले वो तो पहले की बात है, अब ये सब ठीक नहीं। बेचारे रुआ से हो गए रोंदू। भगवान ने कहा चिंता ना करो। तो एक अवतार रहा है भगवान का, मोहिनी अवतार। तो महाराज अब उनका हम जय क्या बुलाएं। लेकिन हम प्रणाम तो कर ही लेते हैं कि मोह में न पड़े हम लोग। तो दैत्यों से, दैत्य लोगों ने कहा हाँ देखो हमारे भाग्य से आप पधारे। उन्होंने कहा आप लोग अगर हमारे में विश्वास करते हो तो झगड़ा मत करो, आप कहो तो हम बांट दें। बोले हाँ हाँ तुम बांटो, तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास। वो कलश ले लिया महाराज, लाइन लग गई दोनों तरफ, एक तरफ वारुणी एक तरफ अमृत पान कराया जा रहा है। ये राहु नाम का जो दैत्य है उसने कहा गड़बड़ है कुछ, उसने एकदम पार्टी बदली महाराज। आई थिंक ही वॉज द फर्स्ट टू चेंज द पार्टी। एकदम देवताओं की पार्टी में शामिल हुआ। ध्यान रखना बहुत भला नहीं होता, गलती से गया वो वहाँ सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया। बताओ थोड़ा छिप के बैठता, ये दोनों ही प्रकाशकों के बीच में बैठ गया जाके। ये लोग पहचान गए उनको,
इशारा किया भगवान को, महाराज ये दूसरी पार्टी वाला है। उसका गला काट दिया भगवान ने, लेकिन उसने थोड़ा अमृत पी लिया था तो मरा नहीं, तो धड़ अलग हो गया। धड़ को केतु कहा गया, सिर को राहु कहा गया। वो तब से नाराज है सूर्य पर भी चंद्रमा पर भी। वो महाराज जब ये लोग पूर्ण होते हैं ना तब ग्रस्त है वो, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली नीचे कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ग्रस्ता है, तो अगर पेट होता महाराज पचा जाता तब तक, लेकिन वो एक तरफ से निकलता है दूसरी तरफ से चंद्रमा बाहर आते हैं ग्रहण करते समय। एक तरफ से सूर्य को निकलता है, दूसरी तरफ से सूर्यदेव बाहर आ जाते हैं। तो केवल सिर ही सिर तो है बेचारे के पास, लेकिन वो अब तक बदला लेता है। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का ये हमारा एक भाव पक्ष से कहा गया। इस तरह से जब ये लोग तो अमृत पी चुके, अमृत वाले हो गए, तब इन्होंने फिर देवासुर संग्राम किया, सारे दैत्यों का वध हो गया। शुक्राचार्य जी आए, उन्होंने संजीवनी, मृत संजीवनी विद्या से अपने शिष्यों को जिलाया। महाराज बलि फिर से जी गए, प्रबल हुए, और फिर से अपने पुरुषार्थ और प्रताप से उन्होंने देवताओं पर विजय प्राप्त की। अब महाराज बलि का शासन है। इतना सब होने के बावजूद महाराज बलि बड़े धर्मात्मा हैं। अब ये जो अदिति है ना, देवताओं की माता, ये पुरुष लोगों को कई बार लगता है कि हमारे भागने दौड़ने से ही सब कुछ होता है, माताएं तो कुछ करती नहीं। ये सही नहीं है। माताएं घर में जो यू नो पूजा पाठ व्रत करती हैं उसका आपके ऊपर असर पड़ता है जनाब। तो वहाँ अदिति माता ने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल ही हमारे बच्चे तो मारे मारे फिर रहे हैं। तो एक पयो व्रत किया उन्होंने, और उसके प्रभाव में तो किसी को जगाया जाए तो हो जाता है। तो कहते हैं कि उसके प्रभाव में तो भगवान को आना पड़ा। बोले माता जी ऐसा है कि बलि जो है ना वो धर्मात्मा है, उसका कोई अपराध तो है नहीं, तो मैं किस अपराध से उसको दंड दूं या मारूं या आपके पक्ष में लड़ूं, ये हो नहीं सकता। आखिर वो निरपराध है। तो फिर आपने तपस्या की है तो आपका संतान बन के आना भी है, तो हमारे भाई होंगे इंद्रादि, तो अब मैं एक ही काम कर सकता हूँ कि जा कर के भिक्षुक बन के, देखो धर्मात्मा का ना भगवान भी बिगाड़ते नहीं, कर्मों का बल ये होता है, आप अपने रास्ते पर सही हो तो दुनिया की क्या बात कहें। भगवान मना कर देते हैं, बोले अब हम उनके सामने भिक्षुक बन कर के जाएंगे बस, और मांगेंगे और उससे आपके संतानों का भला हो जाएगा, बस इतना ही मैं कर सकता हूँ। समय प्राप्त हुआ है और भगवान ने अदिति माता के गर्भ में तो प्रवेश किया। सबसे पहले तो वो चतुर्भुज भगवान के रूप में प्रकट हुए और थोड़ा संवाद हुआ उनका। मैं जरा एक मिनट देख लूँ। अठारहवां अध्याय, राइट, क्योंकि लंबा जंप है। तो हाँ, तो बोलते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए तो अदिति माता ने स्तुति की, ब्रह्मा जी आदि सभी ने स्तुति की। भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हैं, देखते देखते वामन रूप में सिद्ध हो गए, लिखा है यत् तद्, 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, यत् तद्वपुर्भाति विभूषणायुधैः, यत् तद्वपुर्भाति विभूषणायुधैः, अव्यक्तचिद्व्यक्तमधारयद्धरिः,
बभूवते नैव सवामनो वटुः संपश्यतो दिव्यगतिर्यथा नटः संपश्यतो दिव्यगतिर्यथा नटः इत्थं सशिष्येषु भृगुष्वनेकधा वितर्क्यमाणो भगवान् सवामनः छत्रं सदण्डं सजलं कमण्डलुं विवेशबिभ्रद्धयमेधवाटम् अटिलं वामनं विप्रं मायामाणवकं हरिम् बोलिए वामन भगवान की बोलिए वामन भगवान की बोलिए वामन भगवान की। सुब्राह्मण वंश में महाराज ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए, जात कर्म संस्कार कराया है कश्यप ऋषि ने, उपनम संस्कार करके गायत्री मंत्र स्वयं सविता माता ने उपस्थित होकर के उनको दिया। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत, कश्यप ने मेखला, वो करधनी कहते हैं, दी। पृथ्वी माता ने कृष्ण मृग का चर्म दिया पहनने के लिए, और वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड दिया। ब्रह्मचारी लोग दंड लेके चलते हैं, तो चंद्रमा भगवान ने दंड दिया है। माता अदिति ने कौपीन दिया है, तो कौपीनधारी हैं कटिवस्त्र, और आकाश के अभिमानी देवता ने भगवान को छत्र दे दिया। सो छत्रधारी हैं, उपनयन है, कौपीन है, मेखला पहने हुए हैं, दंड धारण किए हुए हैं, और ब्रह्मा जी ने कमंडलु दिया। महाराज की छटा है एक ब्रह्मचारी की। ब्रह्मा जी ने कमंडलु दिया, सप्तर्षियों ने कुश, और माता सरस्वती ने रुद्राक्ष माला दी। वामन भगवान को माता सरस्वती ने स्वयं ही तो रुद्राक्ष माला दी। इस तरह से वो पूर्ण वेश में हैं। कुबेर ने एक भिक्षा पात्र दिया, ये चल रही, छोटे मोटे व्यक्ति क्या। कुबेर ने उनको भिक्षा पात्र दिया, और भगवती उमा ने पहली भिक्षा दी। वाह, पार्वती माता ने तो अन्नपूर्णा माता ने पहली भिक्षा दी। भिक्षाम देही च पार्वती, इस रूप में वामन भगवान सिद्ध हो करके तो अब बलि के यज्ञ की तरफ बढ़ते हैं। कल हम वो प्रसंग देखेंगे, क्योंकि अब जाने में थोड़ा समय लगाता हूँ मैं, दूर होगा यज्ञशाला समय। तो कल हम ये प्रसंग पूरा करेंगे, थोड़ा पीछे लौटेंगे। समुद्र मंथन का एक बड़ा सुंदर भाव है, तो उस पर भी चर्चा करके फिर तो इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश की चर्चा होगी, और उसी में प्रातः काल के सत्र में ही भगवान राम का अवतार कथा होगी। ओम। संध्या काल में चंद्रवंश की कथा में तो श्री कृष्ण भगवान की अवतार कथा होगी। ओम नमो नारायण। आरती करें। आज की आरती मुख्य यजमान चंदन परिवार के साथ। माइक बेटा। रामचंद्रन हरिहर और हसमुख मेहता का परिवार। आप सब, और कहाँ हैं जगदीश, जल्दी आओ,
जगदीश पहले तुम लोगों को आना चाहिए, तुम लोग समाज मत इकट्ठा करो, पहले यहाँ आया करो। पंडित जी आज आप लोग दोहराइएगा, दो मिनट ज़्यादा लेंगे लेकिन भाव नहीं बनता फिर उतना अच्छा। अरति अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। अरति अति पावन महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधार समय कल, लीला रति रस रस निधान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सकत सकल सुख कारिणी, सुमहौषधि हरिचरित गान की, सुमहौषधि हरिचरित गान की। आरति अति पावन पुराण की, आरति अति विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परमात्म। आरति अति पावन पुराण की, परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, क
कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, ज्ञान खान। कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, व्यास भगवान की, सद्गुरुनाथ महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री कृष्णाय वयम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर
पुत्र इति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयम् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् ततो जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद।
जय जय गोविंद जय हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय हरि गोविंद
कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सद्गुरुदेव की जय। जय श्री राधे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सातवें स्कंद में हम लोगों ने महाराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुना। पहला प्रकरण वही है। तो क्या प्रश्न है कि प्रभु की समता का स्वरूप क्या है? कई बार आचरण से प्रभु विषम दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान देवताओं के पक्ष में है, और देवताओं का चरित्र पढ़ने पर उनके प्रति कोई बहुत आदर भाव जगता नहीं। कयाधु का हरण कर लिया इंद्र ने जब वो गर्भवती, अपने गुरु का वध कर दिया इंद्र ने जब वो विश्व रूप के रूप में हैं, तो देवताओं के चरित्र में भी बार बार कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो जो चित्त में आदर का सृजन, आदर की सृष्टि करती नहीं। तो श्रद्धा जो होती है ना, उसके बारे में ये बात नियम से कही जाती है कि श्रद्धा कभी निम्न के प्रति नहीं हो सकती। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा की सबसे सुंदर परिभाषा की, तो वो लिखते हैं कि महत्व की आनंदमय स्वीकृति, महत्व की आनंदमय स्वीकृति श्रद्धा है। किसी की महिमा को स्वीकार करने का नाम श्रद्धा है, लेकिन उस स्वीकार करने में आनंद हो, किसी की महिमा को स्वीकार करने में तकलीफ ना हो। तो अगर कोई बड़ा है, महिमा संपन्न है, तो इसके बावजूद कई बार उसका व्यवहार थोड़ा दबंग जैसा होता है। तो अगर तो वो डोमिनेट करता है ना, तो हमारे चित्त पर कदाचित भार की अनुभूति होती है। तो जब भार की अनुभूति होती है तो हम विवश होकर के तो उसकी महिमा को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन स्वीकार करने में मज़ा नहीं आता। तो श्रद्धा देखो किसको बोलते हैं, महत्व की आनंदमय स्वीकृति। बहुत ही बढ़िया परिभाषा है, ऐसी परिभाषा मैंने पढ़ी नहीं कहीं।